हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया, सब बढ़िया। जैसे भैया बस एकदम मस्त। मैं भी बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। चलो रोहन आदित्य, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। हेलो भैया, हाय तने। बेटा शुरू करते हैं। हाय प्रगति, हेलो एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने चैप्टर वन कंप्लीट किया और कल का लेक्चर बहुत ही धुआंदार था, धांसू था बेटा। मैंने बच्चों को एक एवरीथिंग आई हैव टोल्ड, मैंने सारी चीजें आप लोगों को सिखाई। कल मैंने आपको टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर उसका डायग्राम बेटा इनिशियल थ्योरी पूरी एक्सप्लेन करी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझाया, सारी चीजें हो गई। कैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से लेकर सारी हर छोटी सी बड़ी चीज कल हमारी कंप्लीट। अब बेटा इसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल पार्ट आता है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को कंप्लीट होगा, ठीक है? और आप समझिए कि ये मैंने आप लोगों के लिए, मैं आपको कह रहा था बेटा, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये मैं ना मैं सिर्फ आप लोगों के ऊपर खासा ध्यान दे रहा हूँ। YouTube के ऊपर भी अच्छी खासी क्लासेस हो रही है, कुल मिला के एवरीथिंग इज गोइंग गुड दिस टाइम। हाँ, कुछ बच्चों को ये कहना सर कॉस्टिंग की थ्योरी, तो कॉस्टिंग की थ्योरी मैंने आपको इशू बताया, कॉस्टिंग की थ्योरी नहीं लेना ऐसी बात है नहीं, 60 पेज है बेटा, आपसे 60 पेज कभी पढ़ भी नहीं जाएंगे। मुझे उसे छोटा करना है, समय नहीं मिल रहा है, वो जैसे ही हो जाएगा ना मैं कर दूंगा। मेरे हाथ की थ्योरी है बेटा, तो कभी फटाक से खत्म कर दूंगा, बट जस्ट गिव मी लिटिल टाइम। अगर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो करीब 6-7 घंटे लग जाएंगे, और मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा तो 4 घंटे लगेंगे, लेकिन वो 4 घंटे में ऐसा क्लास पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम में स्लिप पाओगे। सो डोंट वरी, सारी चीजें हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज का आश्वासन देता हूँ बेटा, सितंबर में आप लोगों का एफएम इको का सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग फास्ट ट्रैक। अच्छा तुमने देख लिया, थ्योरी देख ली, ओके। तो आइए बेटा एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, आपने एक चीज तो नोटिस कर लिया कि नेशनल इनकम इतना टफ चैप्टर था ही। नेशनल इनकम क्या टफ लगा? नहीं सर, सम्स बाकी, हाँ है ना बेटा, बहुत सम बाकी है, थोड़ी थोड़ी बहुत बाकी है। आप ऐसा समझ लीजिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को जो यूट्यूब के सेशन होंगे ना, उसमें सम ही सम होने वाले हैं। यूट्यूब पर प्ले लिस्ट मेरे को बना के देनी आप लोगों को, अलग से फास्ट ट्रैक लेते हैं तब पढ़ने को टाइम मिलता है, नहीं भी मिलेगा तो जिसको चाहिए उसके लिए तो बना के रखो बेटा, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे थे कि मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, इस बार मैं न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा करवा रहा हूँ आपको, मेरे आइडियल ड्यूरेशन से 3-4 घंटे ज्यादा करवा रहा हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी एक ही बार एग्जाम आनी है वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, ठीक है? लेकिन वो हम यूट्यूब पे करेंगे, अब थर्सडे का इंतजार करते हैं, देखता हूँ थोड़ी देर में लिंक अगर आ गई होगी तो अभी आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के लिंक पिन करके दे दूंगा। हम खत्म भी कर लेंगे बेटा उसके अंदर 3 घंटे के अंदर, रापचित तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है? सर मैं सोच रहा हूँ कि 2 मंथ होंगे मैं खुद पढ़ूँ और टेस्ट को कैसा रहेगा। हाँ हाँ वही तो करना है आप लोगों, तब आपको फास्ट ट्रैक की जगह मैं खुद पढ़ूँ, इससे अच्छा कोई कह सकता है? ऋषभ मेरे को तेरी हेल्प लगने वाली है, ठीक है? अभी ये क्या हो रहा है, ये बच्चों को ना थोड़ा स्कैटर्ड वे में मिल रहा है चीजें। आप जो रेगुलर हमारे साथ पढ़ो उसको कोई तकलीफ नहीं, तो कुछ चीजें बिखर रही है, जैसे कि कुछ स्पेशल क्लास में अभी जाएंगे, यूट्यूब पर कुछ सेशन हुए हैं, तो वो कंपाइल करके देना तेरा काम है, ठीक है? अपन बैठते हैं, इसके लिए तेरा नाम लिख लिया, तेरा और प्रियम का नाम लिख लिया, बात करके अपन बच्चों को ट्रैकर बना के दे देंगे, बाय दिस संडे बच्चों को सब कुछ दे देंगे अपन। सर ट्रैकर में है, ठीक है ट्रैकर में है, तो बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर, मॉनिटरी पॉलिसी। अभी आपको ऐसे अधूरे अधूरे से फीलिंग आएगी कि सर हमारा चैप्टर वन का कुछ पार्ट बाकी है और आप पहले ही चैप्टर टू स्टार्ट करवा रहे हो, पर इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता बेटा, इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट आप रियलाइज करेंगे कि सैटरडे को ये मॉनिटरी पॉलिसी के सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो आपको मंडे ट्यूजडे तक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ एफएम पूरा हो गया है, इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट 55-60% हो गया है। हाँ मेरे को हेल्प लगेगी आप लोगों की हल्की सी, आज मैंने मेरा लैपटॉप आखिर तक फास्ट करवा दिया एकदम, एसएसडी वगैरह डलवा के, नफरे नहीं होंगे इसके हैंग होना, ये होना। हाँ आज हीट भी कम हो रहा है, तो जैसा हीट होता है ना मेरे को डर ही लगता है। चैप्टर नंबर 3 पर आएगी बेटा मॉनिटरी पॉलिसी, चैप्टर नंबर 3 मॉनिटरी पॉलिसी 2 बाद में करेंगे, पहले हम वो वाले चैप्टर कर रहे हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है काफी। आइए बेटा चैप्टर नंबर 3 मॉनिटरी पॉलिसी। तो बेटा हमारे सिलेबस के अंदर 4 चैप्टर है, पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, दूसरा चैप्टर बेटा मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी चैप्टर में आपको मनी, मनी की डिमांड क्यों क्रिएट होती है, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कहां से आता है और उसको रेगुलेट करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी कैसी बनाई गई है उसके बारे में बताएंगे। ये चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग है। नेशनल इनकम के बारे में अगर मैं आपको पूछूं तो नेशनल इनकम वेरी इजी चैप्टर था, लेकिन अगर ये चैप्टर की बात करी जाए बेटा ये बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आ गया कि पॉलिसी को समझ पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, तो अगले 6 दिन आप लोगों को एक्चुअली बहुत मजा आएगा। इसके बाद वाले चैप्टर के अंदर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझ पाएंगे, दैट इज फिस्कल पॉलिसी, जिसको पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। लास्ट में इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड वास्ट है, स्कैटर्ड है बहुत सारा, ठीक है जी? तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है चैप्टर नंबर 3,
इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इसके न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही इजी पार्ट है इसका न्यूमेरिकल। बेटा यहाँ पर चार यूनिट मिलेंगे आपको, सबसे पहला है बेसिक, बहुत इजी है, दूसरा है डिमांड, तीसरा है सप्लाई, डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आइए पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है बेटा मनी, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, बहुत ही छोटा सा यूनिट है। सो भैया मनी का मीनिंग समझते हैं, बेसिकली मनी क्या है। बेटा मनी एक ऐसा असेट है, मनी इज ऑल्सो एन एसेट। चलिए और पीछे जाते हैं हम लोग, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना जरूरी था। यानी लेट्स से बेटा मैं बेचता हूँ गेहूं और आप बेचते हो दाल, तो अगर मुझे दाल चाहिए तो उस समय आपको साइमल्टेनियसली गेहूं भी चाहिए ही चाहिए थे। अगर ऐसा नहीं होता था बहुत सारा ट्रांजेक्शन रुक जाते थे बेटा, बार्टर सिस्टम की ये समस्या थी। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत थी। बार्टर सिस्टम में एक और समस्या थी, समझिए मैं टीचर हूं, मैं आज सर्विस प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसके बदले आप मुझे कोई ना कोई गुड सर्विस दे देंगे, बट व्हाट अबाउट माय फ्यूचर, जब मैं पढ़ाने योग्य नहीं होगा, 60-70 साल का हो जाऊंगा, तब तो मैं किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा, उस समय मेरे को कोई कुछ रिटर्न भी नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या बोलते हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं था बार्टर सिस्टम के टाइम पे, उसमें बस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इमीडिएटली ट्रांजेक्शन को करना था। लेकिन आज मनी ने क्या कर दिया, मनी ने ट्रांजेक्शन को दो ट्रांजेक्शन में स्प्लिट कर दिया। तो बेटा मान लो मुझे आपसे कुछ गुड्स बाय करने हैं, तो ये है वन पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मैंने आपसे गुड्स बाय कर लिया, अपनी परचेसिंग पावर आपको दे दी, अब आपको जो भी फलाना गुड्स बाय करना है बाय कर सकते हो उस परचेसिंग पावर से। तो मनी ने क्या किया है, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और बार्टर सिस्टम को ब्रेक कर दिया। बार्टर सिस्टम में समस्या ये थी कि दोनों को सेम कमोडिटी की बेटा इंटरचेंज करने की, एक्सचेंज करने की नीड चाहिए थी। और दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर आज मैं टीचर हूं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे सारी गुड्स एंड सर्विसेज चीजें देंगे इन रिटर्न इन एक्सचेंज, पर बेटा जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे को कोई भी सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय बेटा मनी की इंपॉर्टेंस आती है, मैं आज कमाऊंगा पैसा सेव करूंगा उसको फ्यूचर में अय्याशी के लिए रख सकता हूं, अय्याशी मतलब घूमने के लिए, मैं तो बोल रहा अय्याशी में प्रॉपर वैल्यू भी नहीं मिलती है, तो वही बात है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड में। और फिर एक्सचेंज वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ती है। अब जैसे कि अगर तुम चप्पल बनाते हो और मैं तुअर दाल बेचता हूं, तो भैया इसके बीच में एक्सचेंज वैल्यू डिटरमाइन करना भी बहुत मुश्किल था, तो मनी आ गया, हम सारी ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर कर देते हैं। बात समझ में? ठीक है जी, ठीक है। एक किलो गोल्ड के बदले एक किलो गेहूं, वाह, तो मैं एक किलो गेहूं तुझे देने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी, आर यू? मैं भी, रूपाली भी रेडी हो गई, नहीं मैं ये बार्टर नहीं, तेरे यहाँ बार्टर नहीं है, मैं 3 किलो दूंगा, क्या गोल्ड? तो रोहन चलो तेरा ट्रांजेक्शन करेंगे, नहीं क्यों? गुड इवनिंग सर, एफएमएन इको के नोट्स चाहिए तो मैं दे देता हूँ, क्लास में आते हो तुम डेली, आते हो तो दिखते नहीं हो, दे देता हूँ। ना ढूंढ के दे रहा हूं, तो आना क्लास में। ओके, तो आइए मनी को समझते क्या है, मनी को समझते हैं कि क्या है। बेटा मनी बेसिकली एक ऐसा असेट है विच कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मींस ऑफ पेमेंट। बेटा आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, इट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर। तो बेटा मनी रेफर्स टू द एसेट विच आर कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट, मींस ऑफ पेमेंट यानी कि आप इसके थ्रू पे कर सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यू कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड बेटा इट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर। मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर का मतलब क्या है, मेरे पास आज पैसे हैं, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज आपसे बाय करे, अब मैं इसके बदले आपको मेरी परचेसिंग पावर दे दूंगा, पैसा दे दूंगा जिससे आप और कुछ गुड्स एंड सर्विस बाय कर सकते हैं। जस्ट अभी स्टार्ट किया, ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? मनी रेफर टू एसेट व्हिच इज कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर। लेकिन भैया आरबीआई के एंगल से या पॉलिसी मेकर के एंगल से मनी को कुछ और तरीके से अज्यूम करते डिफाइन करते हैं। ये बोलते हैं मनी बेसिकली एक मोस्ट लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट मतलब जिसको कैश में कन्वर्ट करने की भी जरूरत है, इतना ज्यादा लिक्विड है। लिक्विड मतलब जल नहीं बोल रहा बेटा, लिक्विड समझते हैं, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत है, ऑलरेडी कैश है। सो फॉर पॉलिसी पर्पस मनी इज डिफाइंड एज सेट ऑफ लिक्विड एसेट वेरिएशन इन स्टॉक ऑफ व्हिच लीड्स टू इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं मनी बेसिकली एक लिक्विड एसेट है जिसके स्टॉक में यानी जिसकी क्वांटिटी में अप एंड डाउन हो गया तो इकोनॉमी में बेटा इन्फ्लेशन रिसेशन आ जाता है। वापस पढ़ो, फॉर पॉलिसी पर्पस मनी इज डिफाइंड एज सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट वेरिएशन इन क्वांटिटी ऑफ इट, जिसकी क्वांटिटी में ऊपर नीचे हो गया, जिसके स्टॉक में ऊपर नीचे हो गया, तो एग्रीगेट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। नहीं उसका रीजन अलग है, बाद में बताऊंगा। एक बात बताओ, पैसा छाप के क्या मिल जाएगा, टेल मी व्हाट विल यू गेट।
अगर गवर्नमेंट पैसा ही पैसा छापती जाएगी, पैसा ही पैसा, तो क्या होगा, तुम्हारे पास कागज का टुकड़ा आएगा बेटा, ठीक है, यू विल गेट जस्ट कागज का टुकड़ा। पहले जो ब्रेड का पैकेट तुम 10 में लेकर आते थे, अब 10 लाख में लेकर आओगे, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? इकोनॉमी ग्रो कब होती है बेटा? इकोनॉमी ग्रो तब होती है जब आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, अभी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ज्यादा, इसको फैसिलिटेट करने के लिए ज्यादा मनी प्रिंट करना पड़ता है। यानी बेटा हम मनी का उतना ही सप्लाई करेंगे जितनी डिमांड है, मतलब जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिमांड का मतलब जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी के अंदर उतना ही प्रिंट करना है। नहीं तो बेटा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, पैसा प्रिंट कर रहे हो, तो भैया 1 करोड़ में लेकर जाने पड़ेंगे आपको ब्रेड का पैकेट लाने के लिए। आफ्टर ऑल पैसा क्या है बेटा? कागज का टुकड़ा है। तो भैया देखिए, मनी अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो मनी क्या है बेटा? मनी क्या है बेटा? मनी रेफर टू द एसेट विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर। बट फॉर पॉलिसी पर्पस के लिए मनी को हम लिक्विड एसेट मानते हैं, जिसके स्टॉक में, जिसकी क्वांटिटी में अगर वेरिएशन आ गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वेरिएशन आ जाता है, ह्यूज वेरिएशन बेटा। लेकिन कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो वो मनी नहीं कहलाएगी। जैसे आप देखें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, पर फिर भी वो मनी नहीं कहलाएंगे। सर ऐसा क्यों? वो मनी क्यों नहीं कहलाते? पहला आप बताओ, क्या रियलिटी में मनी कहलाते हैं? नहीं, रीजन है कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उनके केस में। सो एनीथिंग व्हिच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनीथिंग व्हिच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नॉट नेसेसरी मनी। एग्जांपल, बचपन में बेटा आपको टैजो याद है क्या? टैजो, क्रिप्टो याद है? रुको, टैजो, टैजो नहीं पता होगा आपको, पता नहीं कौन सी जनरेशन का, टैजो नहीं पता, तो आप अलग जनरेशन का। तो बेटा ऐसे प्लास्टिक के कॉइंस टाइप रहते थे, चीटोज वगैरह, चिप्स वगैरह के अंदर ना कलेक्टेबल्स आते थे, नहीं नहीं कलेक्टेबल्स आते थे प्लास्टिक के, उस पे WWE, पोकेमॉन, उनके इंप्रेशन प्रिंटेड रहते थे, बहुत मजेदार रहता। और फिर WWE के कार्ड्स भी आते थे, आपको पता है WWE के कार्ड्स भी आते थे, तो हम उसको एक्सचेंज करते थे। मेरे को याद है बेटा, केन पता है तुम लोगों को? केन, केन, जॉन मिनार केन्स नहीं बेटा, केन, केन, WWE वाला, वो मास्क पहनता था, उसका चेहरा जला हुआ जैसे बताते थे। तो मेरे पास एक केन की फोटो थी बिना मास्क के, बिना जले हुए चेहरे की। तो बेटा मैंने उस कार्ड के बदले 20 कार्ड मांगे थे सामने वाले से, समझ रहे हो? तो बेटा मेरे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, लेकिन क्या वो मनी था? नहीं। सो एनीथिंग व्हिच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नॉट नेसेसरी मनी। एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नॉट नेसेसरी मनी। फॉर एग्जांपल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मे एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट इट इज नॉट मनी, सिंस इट डज नॉट हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मनी इज टोटली लिक्विड एसेट, इट कैन यूज डायरेक्टली, इंस्टेंटली, कन्वीनियंटली। रोमन वर्सेस प्रो, ये नहीं देखता मैं, समझे? ओके बेटा, आज के टाइम मनी के अंदर डिजिटल मनी भी आ गए। इन मॉडर्न डेज मनी इज नॉट नेसेसरी फिजिकल आइटम बट इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑल्सो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेंसी विच रिप्रेजेंट मनी डज नॉट हैव इंट्रेंसिक वैल्यू। अभी बेटा 2000 रुपए के नोट को बनाने में खर्चा कितना आता है? 18 से 19 रुपए, बराबर। उस नोट की बेटा कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं, इंट्रेंसिक यानी कि कोई कोर वैल्यू नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक गोल्ड का सिक्का है, तो बेटा मैं इस गोल्ड के सिक्के को बेच के इक्विवेलेंट मनी ऑब्टेन कर सकता हूं। बट ये जो कागज का टुकड़ा है बेटा, कल करके मोदी जी बोले कि भैया आपसे 2000 के नोट भी नहीं चलेंगे, तो ये मनी की कोई वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे हो? तो बोल रहे कि जो नोट्स है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो भैया बस एक गारंटी पे चल रहे हैं। ये क्या है बेटा बेसिकली? अगर आप नोट देखोगे, दीज आर नथिंग बट द प्रॉमिसरी नोट। ये प्रॉमिसरी नोट है, इसमें गवर्नर क्या बोलता है? गवर्नर बोलता है आई प्रॉमिस टू पे बियर अ सम ऑफ 2000 रुपीज। मतलब भैया ये नोट रुपए, ये नोट तुम अगर गवर्नर के पास लेकर जाओगे ना, वो तुम्हें 2000 रुपए का गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा तोड़ के देगा। कभी जाके देखो, 10 रुपए का नोट लेकर जाओ, तुम बोलते कोई नोट नहीं चाहिए ना, तो वो तुम्हें इतना गोल्ड का टुकड़ा निकाल के देगा। नहीं, वो निकाल के नहीं देगा, बट वो बोल रहा है कि भैया आप इसकी मदद से जल्द चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते, मैं गारंटी देता हूँ उसकी। ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है? तो पढ़िए बेटा, तो ये जो नोट है ना, ये करेंसी की कोई इंट्रेंसिक वैल्यू है तो कागज की टुकड़ा। द करेंसी विच रिप्रेजेंट मनी डज नॉट नेसेसरी हैव इंट्रेंसिक वैल्यू। एज यू नो, फियट मनी यानी हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी, एज यू नो फियट मनी हैज नो इंट्रेंसिक वैल्यू। गवर्नमेंट ने गारंटी दिया, बैक बाय गवर्नमेंट। उस पे आते हैं, मिनिमम गोल्ड रिजर्व सिस्टम होता है, उतने पैसा रखने की जरूरत नहीं है। कुछ आरबीआई के पास पता है कितने का गोल्ड है? मैं बताता हूँ आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व कितना है, कुछ 200-300 करोड़ का ही है। मतलब उतना ही हमने रिजर्व में रखा, वैसे गोल्ड बहुत है, लेकिन करेंसी प्रिंट करने के लिए गिरवी बहुत कम रखते हैं। अब वो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है, वो तो हमारे देश की पूंजी है। पर जितना आपको नोट प्रिंट करना है, उसके लिए पहले उतना गोल्ड रखना पड़ता था साइड में, अब रखने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूं। समझ रहे हो? वो जो आप बोल रहे हो दैट इज गोल्ड विद अवर कंट्री। मैं बोल रहा हूं मनी प्रिंट करने के लिए गोल्ड रिजर्व के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है। आएगा कॉन्सेप्ट, आएगा तो बता दूं। चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। मनी के बारे में थोड़ी सी सोच खोलिए बेटा। मनी क्या है? मनी इज मीडियम, मींस ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉर पॉलिसी पर्पस मनी सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट, वेरिएशन इन क्वांटिटी ऑफ व्हिच लीड्स टू एग्रीगेट इकोनॉमिक इंपैक्ट। बट एनीथिंग व्हिच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट नॉट नेसेसरी मनी। लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट मनी बिकॉज इट एक्सेप्ट्स कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी, बिकॉज इट डज नॉट हैव कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी। बेटा हार्ड करेंसी को बोलते हैं फियट मनी, FIAT, फियट मनी। फियट मनी की बेटा कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं रहती, इट इज बैक्ड बाय गारंटी ऑफ गवर्नमेंट। एंड लास्टली, मनी इंक्लूड्स डिजिटल करेंसी एज वेल। 200 करोड़ है सर, पूछो, बता रहे हो। एग्जांपल किस चीज का? एग्जांपल
मिनिमम रिजर्व सिस्टम, आरबीआई करंट करेंसी इशुइंग सिस्टम इज नोन एज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें सिर्फ 200 करोड़ रुपए रखे हमने, समझ रहे हो, मात्र 200 करोड़ फिएट मनी, आपका 200 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट बेटा फिएट मनी है, दैट इज फिएट मनी, सर सिख हैक हो सकती है, समझा नहीं, सिग्नेचर हैक हो सकती है गवर्नमेंट की, क्या सीए बनेगा तो जो भी देश के अंदर जो भी करेंसी यूज करते हैं इंक्लूडिंग डिजिटल मनी क्या है सर, इसके अंदर ऐसा खास बताइए, मनी डो नॉट हैविंग एनी इनहेरेंट पावर टू डायरेक्टली सैटिस्फाई ह्यूमन वांट बाय एक्टिंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट कमांड परचेसिंग पावर एंड इट्स पोजीशन एनेबल अस टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई वांट, क्या होता है ये बोलता है मनी के पास वांट सैटिस्फाई करने की डायरेक्ट पावर नहीं है, मतलब मैं आपके हाथ में 1,00,000 रुपए दे दूं और आप उस 1,00,000 रुपए को खा नहीं सकते हो, हाँ पर आपके पास परचेसिंग पावर आ जाएगी तो आप खाना परचेस कर सकते हो, आप गाड़ी चला सकते हो बेटा, कपड़े पहन सकते हो बेटा, समझ रहे हो, तो बेटा वो कहावत सुनिए क्या, मनी है तो हनी है, तो बेटा मनी से काम थोड़ी चलता, मनी की मदद से हनी मिलती है, सुख शांति समृद्धि वैभव कौन देगा, हनी देगी, पर हनी कैसे आएगी, मनी के थ्रू आएगी, देखो ये बेचारा उदास हो गया संस्कार बोला सर ना पैसा है ना हनी है क्या क्या, तो बेटा मनी के बारे में, मनी के बारे में आपको बताता हूँ, मनी डायरेक्टली कोई वांट सैटिस्फाई नहीं कर सकती, मैं आपको तहखाने में बंद करके 1,00,000 रुपए रोज भी देना चालू करूंगा, खाना पीना कुछ भी नहीं दूंगा, मर जाओगे बेटा बहुत जल्दी, ठीक है, तो आपको मनी क्यों चाहिए, ताकि आपको परचेसिंग पावर मिले, लेकिन अल्टीमेटली तो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करना चाहते हो ना, मनी से ओनली एक्सटर्नल, सर मैं शहद नहीं खाता, हाँ बेटा कहाँ देखो शहद मिली अब तक, क्या से शहद बोलता है उसको, ठीक है आइए बढ़ते आगे बेटा, मनी के कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मनी का जनरली एक्सेप्टेबल है, कोई भी ले लेता है बेटा, अब मैं रिक्शा वाले के पास जाता हूँ 100 रुपए होते हैं बेटा, मैं उसको 50-50 के दो नोट ले लेता हूँ, वो मेरे को कभी नहीं बोलता यार क्या सर हमेशा आपको गांधी जी वाले नोट देते हो, कभी शाहरुख खान का नोट दे दो, कभी जवाहरलाल नेहरू का नोट दे दो, कभी कभी हमको तने का ही नोट बना के दे दो, कभी बोलता है क्या नहीं, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है, नेक्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल, ऐसा होता है क्या बेटा आप सुबह सुबह वॉलेट में पैसे डालते हो 500 रुपए शाम तक इवेपोरेट हो जाते हैं या फिर दोपहर तक फंगस लग जाते हैं उसके अंदर बंद चीज तो बताओ ठीक ना पड़ेगा, ऐसा है क्या नहीं, लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल सालों तक चलते हैं, समझ गए समझ गए, नेक्स्ट है एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, अनपढ़ लोग भी पहचान जाते हैं, गरीब अनपढ़ भिखारी भी पहचान जाता है असली नोट है नकली नोट है, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल बड़ी आसानी से पहचाना जाता है, अब हमारे देश का तो पहचान ही सकते हैं, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट बेटा कॉपी करना मुश्किल है, ठीक है नहीं तो घर पे एचपी का प्रिंटर कलर प्रिंटर लाके जेरॉक्स पे जेरॉक्स मार रहे ऐसा नहीं होता बेटा, इट इज डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, काउंटरफीट यानी कॉपी, रिलेटिवली स्केयर्स बेटा इसको कंपैरेटिवली स्केयर्स रखना पड़ेगा, पर इलास्टिक के बढ़ाया भी जा सकता है, मनी का सत्ता बढ़ाया जा सकता है, जब चाहे प्रिंटर चालू कर दिया, आरबीआई के पास भी एचपी का प्रिंटर है, जाते हैं सुबह सुबह गवर्नर साहब चालू कर दिया कितने नोट की प्रिंट मारनी है 15 कॉपी 15 कॉपी लोग 1,500 रुपए निकाला है, ऐसा तो करते हैं बेटा हमारे आरबीआई वाले, तो बेटा कभी बढ़ाया जा सकता है कम किया जा सकता है, बट स्केयर्स क्यों रखा है सर, इसको कम क्यों रखा है, इसको कम रखने के पीछे रीजन है, अगर बहुत ज्यादा रखेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाए, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन रहा सबके पास पैसा ही पैसा होगा तो क्या मतलब है, गुड्स एंड सर्विसेज बनने चाहिए, पोर्टेबल एंड इजीली ट्रांसपोर्टेबल बेटा ट्रक नहीं लेकर जाना पड़ता आपको 100 रुपए का नोट इधर से उधर ले जाने के लिए, कंधे पर उठाकर नहीं जाना पड़ता, पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो और बेटा इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, बराबर है क्या, नहीं तो बोलते सर 100 रुपए लेकर जाने हैं एक ट्रक करना पड़ेगा ठेला करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, पजेसिंग यूनिफॉर्मिटी सारे नोट सेम ही होते हैं, 100 के सारे नोट सेम होंगे, 200 के सारे सेम होंगे, 500 के सारे सेम होंगे, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट विदाउट लूजिंग वैल्यू, इसका मतलब है लेट्स से मेरे पास 2000 का नोट है, मुझे सामने वाले को 2000 देना है तो मैं 2000 रुपए का एक नोट भी दे सकता हूं या फिर इसके 20 टुकड़े कर सकता हूं, 100 रुपए के 20 नोट ये भी चलेगा बेटा, ये 2000 के एक नोट भी 2000 है और 100 के 20 नोट की वैल्यू भी 2000 है, तो अगर आप बड़े नोट को छोटे नोट में कन्वर्ट करते तो भी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती और छोटे नोट को बड़े नोट में कन्वर्ट करते तो भी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, बेटा डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट, आज 2000 का नोट लेके 20 टुकड़े फाड़ मत देना, बोले सर 100 निकाल लिए मत करना, ठीक है पढ़ो 2 मिनट मैं चाय पी लेता हूं।
समझो ओ चबतो, दैट्स व्हाई सर, व्हाई इज इट दैट मनी हैज इलास्टिक सप्लाई, बट मनी का सप्लाई स्केर्स है, मनी कम रखी जाती है, पर बढ़ाया भी जा सकता है घटाया भी जा सकता है, इसलिए बोल रहे इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या होगा, इसे घटाया भी जा सकता बढ़ाया भी जा सकता, यहां पर बढ़ाया घटाया दोनों जा सकता है इलास्टिक। मैं मेरे घर में तो रहता हूं, कहां जाके पी पाऊंगा, मैं घर में तो रहता हूं, मेरे नीचे का फ्लोर दो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे भाई का बेडरूम, मेरा बेडरूम, स्टूडियो, छोटा स्टूडियो, इन्हें स्टूडियो था, मैं आ रहता हूँ, नीचे एक बेडरूम, हॉल, किचन, डाइनिंग एरिया, मम्मी वगैरह सब बनाते हैं, बना के। नहीं यार बेटा कॉस्टिक के लिए मेरे को समय ही नहीं मिलता, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, कॉस्टिक का मेरे को समय नहीं मिलता, सॉरी। क्या होटल है या घर, इतना बड़ा घर मेरा अच्छा है, घर मुझे मेरा बहुत पसंद है, हाँ बंगलो में रहता हूँ, आप आओ कभी, ये घर इतना बड़ा है, ये घर ठूसना है ना, मेरे रूम में 10 से 12 लोग आराम से सो सकते हैं, आराम से मतलब अच्छे से सो सकते हैं, गद्दे भी चाहिए, कम से कम 100 लोग इस घर में माप जाते हैं, बहुत बड़ा है, अच्छा है, 3,500 स्क्वायर फीट का ब्लॉक बना रहे हैं, बहुत मस्त बनेगा ब्लॉक, 3,500 स्क्वायर फीट का घर, बहुत अच्छा। इसलिए तो बेटा मेरे को सिटी से 13 किलोमीटर बाहर, सिटी से 13 किलोमीटर बाहर, या फिर कोर सिटी से 13 किलोमीटर बाहर, सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ, कैमरा घुमाते तो बहुत छोटा सा है, स्टूडियो तो छोटा है ना, स्टूडियो क्या करोगे, ये होगा बेटा 8x10 का, 6x10 का, ये तो बहुत छोटा सा है, छोटा स्टूडियो, मेरा रूम बड़ा है, 15x18 का होगा, ग्रीन सिटी रो हाउस होता है, सेटअप देख, छोटा सा सेटअप है, क्या ही करोगे, देखिए ये देखो, मैं पूरा 360 व्यू देता हूँ तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड पड़े रहता है, ये जैकेट कभी अनअकैडमी का उतार बदलना है, देखो सामने मेन सिस्टम पड़ा हुआ है, 1,25,000 का सिस्टम, वो गेमिंग कंट्रोलर पड़ा है, ये देखो, और ये रूम, इससे आप अंदाजा लगा लोगे, ये तो बहुत छोटा सा है स्टूडियो, दो एसी माप जाए यानी कितने, 6 फीट का होगा और 10 फीट लंबा है, ये छोटा सा एरिया, और उस तरफ एकॉस्टिक स्टूडियो वाला बना हुआ है, शादी के बाद मेरी बीवी से करवाऊंगा होम टूर वगैरह वगैरह, चीजें तो इतनी है, अनबॉक्सिंग करने जाओ तो मेरे पास कम से कम 8 से 9 लाख रुपए के गैजेट्स हैं मेरे आसपास, कब करोगे शादी, एग्जाम डेट आ गई क्या तुम्हारी, नवंबर में करूंगा, तो कैमरा लड़का वाला नहीं, दिल से तो वही करेगी ना, 1 साल नहीं रुकना, 2 से 17 ठीक है, ठीक है, तो निकालते हैं डेट, तारीख निकालते हैं, 16 तारीख करते हैं, मैम पहले डेट बाकी, हाँ जी, तो बेटा देखना मनी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला तो है बेटा, ये मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, सुपर एलसीडी, ऐसे स्केयर्स, मनी का सप्लाई स्केयर्स है बट इलास्टिक है, बढ़ाया जा सकता है, बेटा यू से है यूनिफॉर्मिटी, सारे पैसे एक जैसे होते हैं, P से है इट इज पोर्टेबल एंड इजिली ट्रांसपोर्टेबल, R से है effortlessly recognizable, A से है बेटा acceptable, generally acceptable, L से है long lasting or durable, C से है difficult to counterfeit, और D से है divisible into smaller part without losing its value. समझ गए मैं, समझ गए, 25 नवंबर से पहले को करने के लिए बोला गया है, मेरे घर वालों की डेडलाइन है, 25 नवंबर से पहले रोका तो कोई जाना चाहिए, अच्छा रोका 25 को मेरा बर्थडे, उससे पहले करने के लिए बोले, हो गया बेटे समझ में आ गया, ओके बेटा आगे बढ़ते हैं, आइए बेटा मनी के कुछ फंक्शन समझते हो बेटा, मनी के फंक्शन यानी मनी का काम क्या है, सबसे पहला काम है मनी इज कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज और इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट्स इजी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो मनी का सबसे पहला काम है कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी का काम क्या है कि भैया एक्सचेंज करवा दे, मेरे पास आज पैसे हैं, आई हैव परचेसिंग पावर, तेरे पास गुड्स हैं, तू तेरे गुड्स मुझे दे, इसके बदले मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे परचेसिंग पावर दे दूंगा, देखो इसका जो करना है, ठीक है, तो भैया मान लो मैं किसी अनपढ़ आदमी के पास जाता हूँ, जैसे कि यश के पास, यश क्या बेचता है बेटा, यश बेचता है चने, चने फुटाने बेचता है, अब यश के पास मैं गया, मैंने बोला यश भाई चने फुटाने खाने, बोलता सर मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप तेल लेने जाओ, मैंने बोला तेल लेने को जाओ, तेल नहीं चाहिए, चने चाहिए, बोलता नहीं जमेगा सर अपना, बिल्कुल भी नहीं जमेगा, छोड़ो नहीं खा सकते चने, अब क्या करें बेटा, तो ऐसे समय मनी का काम आता है, मनी क्या बोलता है कि भैया चलो एक्सचेंज करूँ, तुम्हें काम करवा देते सर अपनी परचेसिंग पावर इसको दे दो, इसको जो लेना है उससे ले लेगा, समझ में आया, फुटाने नहीं फुटाने, फुटाने मतलब क्या होता है, वो चने ही होते हैं, सॉरी सर लेट हो गए आज, ये चालू करके शुरू से देखो, देखे भाई कहीं से भी देख ले, चने होते हैं, समझ में आया, तो मनी का पहला काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट बेटा, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट का मतलब क्या है, मनी को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, मनी डज नॉट हैव पावर टू सेटिस्फाई योर वांट डायरेक्टली, बट बेटा वो आप लोगों को रियल गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने में मदद कर सकते हैं, बराबर है, आपको कार खरीदनी है, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए पे बैठकर नहीं जा सकते, बट वो 10 लाख रुपए से आप कार खरीद सकते हो, तो मनी डज नॉट हैव इनहेरेंट पावर टू सेटिस्फाई योर वांट डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर देती है,
So, पहला काम क्या exchange का मिल गया, दूसरा satisfaction of want. Money do not have any inherent power to directly satisfy human want. By acting as a medium of exchange, it command purchasing power, acquisition, enable us to purchase goods and services. समझे क्या बेटा? Satisfaction indirectly. It is better than barter. Of course, बेटा. Barter में आपको double coincidence of want चाहिए थे. ठीक है, सामने वाले को भी वही कमोडिटी चाहिए जो तुम ऑफर कर रहे हो और उसके पास भी वही कमोडिटी चाहिए जो तुमको चाहिए, तभी हो सकता था ट्रांजेक्शन. डबल कोइंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रा चाहिए था. बट बेटा मनी के आने से क्या हो गया, ट्रांजेक्शन दो पार्ट में स्प्लिट हो गए. मैं तेरे से वो पार्ट भी, मैं तेरे से वो चीज भी परचेस कर सकता हूँ बेटा जो तुझे, मैं तेरे से वो चीज भी परचेस कर सकता हूँ बावजूद इसके कि मेरे पास जो कमोडिटी तुझे नहीं चाहिए. मैं मानो कार बेचता हूँ और तुम बकरियां बेचते हो, ऋषभ बकरी बेचता है, मैं कार बेचता हूँ बेटा, मेरे को बकरी चाहिए, उसको कार नहीं चाहिए, क्या बाटर तो नहीं सकता, तो मनी पॉसिबल कर देगा इस चीज को. सो बेटर देन बाटर, बाय एक्टिंग एज इंटरमीडियरी मनी इंक्रीज द ईज ऑफ ट्रेड एंड रिड्यूस इनएफिशिएंसी एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्वड इन बाटर. By decomposing the single barter transaction into two separate transactions, समझ में आ रहा है क्या? भैया पहले double coincidence of want देते थे, आप उसकी जरूरत ही नहीं, दो पार्ट में transaction टूट गए. अब वैसा ही हो जाए चाहिए सर जी, आज कल से पैसे वैसे लोग जी रहे हैं तो रहने दो फिर मत कमाओ. वो DSLR वो बैठा नहीं abbreviation, तो रहने दो फिर मत कमाओ बेटा, छोड़ दो. क्या नाम है? अरुण. पापा का नंबर दो, आपके मैं बोलता हूँ. बेटा CA छोड़ना चाहता है, सरोजी नगर जाओ एक बेल्ट लेकर और सू दो इसको. पापा का नंबर आपके, पापा का नंबर 99731, इसके आगे डम डम डिगा डिगा डम. अब्बा नहीं मानेंगे, अब देखना अब्बा तबला बजाएंगे, अब्बा तबला बजाते हैं, देखो कैसे बजाते हैं. बेल्ट लेकर आके बेटा तेरे चमड़ी की क्वालिटी आज चेक करेंगे, पैसा नहीं कमाना है तो दे दो मेरे को. कितने रुपए, कौन सा फोन यूज करता है वो भी मेरे को भेज दे. बैकग्राउंड में आकाश गुप्ता की कमेंट्री, मजा आएगा. आकाश गुप्ता वो कॉमेडियन ब्रदर, एक्सक्यूज ब्रदर, एक्सक्यूज ब्रदर. बेल्ट 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 क्या बेल्ट, ठीक है. तो भैया मनी का पहला काम क्या, एक्सचेंज करवा दो, दूसरा है वांट सेटिस्फाई करवा दो, तीसरा है बार्टर से तो बढ़िया. तीसरा मनी जो है बेटा टाइम और प्लेस को स्प्लिट कर देता है. क्या बात कर रहे सर, टाइम और प्लेस को स्प्लिट कर देता है का मतलब क्या है समझिए सर. बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपकी क्लास में ड्रॉइंग्स नहीं बनाता ना सर, बाप रे आपको तो आदत नहीं होगी, फाउंडेशन में तो बाप रे कितनी ड्रॉइंग्स बनती रहती है. ये कौन है, ये यश है बेटा. यश ने क्या किया मैं आपको बताता हूं, यश ने क्या किया, क्या किया यश ने सर. यश बेटा बिक चुका है, क्या बात करो सर, किसके सामने? यश अपने रिश्तेदारों के सामने बिक चुका है बेटा. 20-20 रुपए के लिए बेटा ठुमके लगा लेता है, 20-20 रुपए के लिए नाच लेता है रिश्तेदारों के सामने. देखो नाच रहा है शादी में बेटा, लोट लोट के नाचता है बेटा. देखो बेटा नाचे जा रहे, नाचे जा रहे, नाचे जा रहा है. मैंने बोला भैया यश क्या कर रहा है नाच के, तो बोलता है नाच के पैसे कमाता हूं मैं, छनिया बन चुका हूं मैं. भैया मैं 10,000 रुपए कमाता हूं एक शादी के सीजन में. बढ़िया, क्या करेगा इस 10,000 रुपए से? तो बोलते हैं शादी का सीजन ठंड में आता है, मैं समर वेकेशन पे जाऊंगा, मैं समर वेकेशन पे जाऊंगा और मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं जाऊंगा समर वेकेशन में कसौल, ठीक है, और वहां पे लूंगा बेटा शिवजी का प्रसाद. समझे बेटा, शिवजी का प्रसाद लेंगे मनाली कसौल से. बहुत चीजें समझ में आएगी इस ट्रांजेक्शन से. बेटा क्या ये मनी अर्न कर रहा है, क्या ये मनी अर्न कर रहा है बेटा? ये शादियों में नाच के शादी का खाना खा के पूरा ट्रांजेक्शन वही कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये शादी में नाच के पैसा कमा रहा है. अब ये पैसा कब कमा रहा है? दिसंबर में. कहां कमा रहा है? दिल्ली में. अब ये पैसे को खर्च कब करेगा बेटा? मार्च में. और कहां पे? कसौल में. तो बेटा क्या मनी से आप कमाई गई रकम को, अपने एफर्ट्स को किसी और टाइम किसी और प्लेस पे एक्सपेंड कर सकते हैं? यस. वाटर में ये नहीं होता था, वाटर में अभी नाच रहा है, अभी खाना दूंगा, अभी खा ले और सुबह निकाल देते बेटा, इमीडिएट सारा काम करो. यहां पर नहीं, तुम पैसा संभाल के रखो, अभी से फ्यूचर में यूज करो, 10 साल बाद यूज करो, जा चाहे बाहर यूज करो, ठीक है. मान लो बेटा तनीषा, ये तनीषा है और ये दूसरी तनीषा है, ठीक है, ये बेचती है बकरी और ये बेचती है बेटा गाय. अब इन्होंने एक्सचेंज किया बेटा, ये बोलती है मुझे तो गाय चाहिए पर तेरे साथ ट्रांजेक्शन करना तो मुझे बकरी का एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, तो ये वाटर में घुस गया बेटा. अब वाटर में आने के कारण बेटा ये बकरी को कंधे पर लेकर हर जगह जा नहीं सकती बेटा, और साथ ही साथ बेटा बकरी को आज प्रिजर्व करके 10 साल बाद इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो वाटर में समस्याएं होती थी. लेकिन अगर आप इसके बदले पैसा लेकर जब चाहे जा खर्च कर सकते हो. एक ही आंखें किसकी पूरी है बेटा, बकरी लात मारी उसको. एक तनीषा के बाल नहीं है, वो पीछे छोटी बनाएंगे बेटा, उसने दिख नहीं रही तुमको, दिखा दे रहे, ठीक है जी, समझ में आया. सो मनी ऑल्सो फैसिलिटेट सेपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बोथ इन टाइम एंड प्लेस एंड दिस इन टर्न एनेबल अस टू इकोनोमाइज ऑन टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन. बेटा आप इतने लिखना, मनी हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इनटू टाइम एंड प्लेस, मतलब जब चाहे जहां चाहे कर सकते, इमीडिएटली जरूरत नहीं है, बाल बाल उठे. नेक्स्ट है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. बेटा मुझे बता तनीषा, तनीषा जब तू तनीषा के साथ ट्रेड करेगी, एक बकरी के बदले कितनी बैल एक्सचेंज करेगी, ठीक है, या एक बैल के बदले कितनी बकरी एक्सचेंज करेगी? बकरी और बैल का एक्सचेंज वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा आपको. बेटा समझो ये तनीषा है, फिर से वही तनीषा लेकर आते हैं. तनीषा बेचती है बेटा बकरी, केस कांदी लगाया उसने, ये बकरी बेचती है बेटा,
तो बेटा इसे बकरी वर्सेस राइस का एक्सचेंज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि सर एक बकरी के बदले मुझे कितने किलो राइस मिलेंगे, इसे बकरी वर्सेस गोल्ड का निकालना पड़ेगा कितनी बकरी देने पर एक किलो गोल्ड आएगा, इसे बकरी वर्सेस बेटा पिज्जा का भी निकालना पड़ेगा कि भैया कितने पिज्जा के बदले एक बकरी देनी पड़ेगी, इसे बकरी वर्सेस बेटा और क्या है बेटा बकरी वर्सेस मोबाइल का एक्सचेंज रेट निकालना पड़ेगा, तो वो समस्या आ जाएगी। ऐसे तो लाखों कमोडिटी है बेटा, समझो 10 लाख कमोडिटी है, तो पता है कितने ट्रांजेक्शन बनेंगे, 10 लाख इंटू 9 लाख 99,999 डिवाइडेड बाय 2, इतनी एक्सचेंज वैल्यू, इतनी प्राइस लिस्ट बनेगी हर कमोडिटी का, हर दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज वैल्यू निकालना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। इससे बेटर है मनी हर चीज की वैल्यू मनी टर्म्स में रख दो, इसकी बकरी की वैल्यू 500 रुपए, इसकी वैल्यू 30 रुपए, इसकी वैल्यू 40 लाख, इसकी वैल्यू 70 रुपए, इसकी वैल्यू 10,000, तो हर एक की वैल्यू बेटा एक दूसरे के अगेंस्ट डिटरमाइन करने की जगह हमने मनी के अगेंस्ट डिटरमाइन कर लिया, समझ में आ गया क्या? एक काम दिया उसने एक्सचेंज निकालते निकालते 30-40 साल तो लगेंगे बाबा, केश शांति लगाया बेटा उसने बाबा रामदेव का प्रोडक्ट रूप मंत्र। नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी बेटा, आप गुड्स को कंपेयर कर सकते हो उसके मनी टर्म्स में, लेट्स से बकरी की वैल्यू है 500 और पिज्जा की वैल्यू है 70, आप मनी टर्म्स में अगर इनकी वैल्यू डिटरमाइन करोगे तो कंपेयर कर सकते हो, बकरी ज्यादा वैल्यूएबल है पिज्जा कम वैल्यू है, समझ में। डेफर्ड पेमेंट बेटा, डेफर्ड पेमेंट यानी आप फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हो मनी के टर्म्स में, आप मनी के टर्म्स में फ्यूचर टर्म्स में फ्यूचर में भी पे कर सकते हो। और लास्ट है लिक्विडिटी एंड रिवर्सिबिलिटी, additionally money also command reversibility as its value in payment equal to value in receipt, all the assets other than money reverse sorry lacks perfect reversibility, for example beta main car khareed raha hu showroom se 10 lakh ki, ab ye car immediately bech raha hu showroom ke bahar nikalte se 8 lakh ki ho jayegi, showroom ke bahar nikalte se 8 lakh ki ho jayegi, lekin beta agar main aaj aapko 100 rupaye de raha hu wo 100 rupaye ki value 100 hi hai, aur jab main kisi se 100 rupaye le raha hu 100 rupaye ki value 100 rupaye hi rahegi, to liquidity and reversibility yani ki beta buy karte time ya sell karte time wo 100 rupaye ki value 100 hi rahegi hamesha। to money ke itne sare functions hai, kaun kaun se beta, sabse pehla hai exchange mein help karta hai, दूसरा है बेटा सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, इट इज बेटर देन बार्टर, ये ट्रांजैक्शन को दो पार्ट, ये ट्रांजैक्शन को स्प्लिट कर देता है टाइम और प्लेस में, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हर कमोडिटी को मनी के टर्म्स में मेजर करना पॉसिबल है, कंपेयर भी किया जा सकता है फ्यूचर के पेमेंट और बेटा लिक्विडिटी एंड रिवर्सिबिलिटी, एडिशनली मनी आल्सो कमांड रिवर्सिबिलिटी एज इट्स वैल्यू इन पेमेंट इक्वल टू वैल्यू इन रिसीव, पे करते टाइम 100 रुपए की वैल्यू, रिसीव करते टाइम 100 रुपए की वैल्यू सेम ही रहेगी, ऑल एसेट अदर देन मनी लैक्स परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी इन द सेंस दैट देयर वैल्यू बाय पेमेंट इज नॉट इक्वल टू देयर वैल्यू बाय इन रिसीव। पढ़ो यूनिट 1 तो खत्म हुआ, यूनिट 1 बहुत छोटा सा था, यूनिट 1 तो बहुत छोटा सा था, नॉन टेक्निकल पार्ट, सेकंड यूनिट थोड़ा सा टेक्निकल, डिमांड फॉर्मन उसमें प्रैक्टिकल पार्ट आ जाएगा, थर्ड यूनिट में आएगा प्रैक्टिकल। यस जल्दी चमी चमी आगे बढ़ा जाए, मुझे एक बात बताइए आपका सैटरडे का शेड्यूल क्या है, मैं आपको 8:30 टू 10:30 एएम का टाइम नहीं दे सकता, सैटरडे को तारीख क्या है 20, ठीक है 6:15 टू 8:15 मैं हूं आप लोगों के लिए, ये तो है ही, ये तो है ही है, मुझको ना आपसे 4 घंटे और चाहिए उस दिन के, दे सकते हो नहीं दे सकते तो पहले ही बोल दो, मैं संडे को ले लूंगा थोड़ा, मेरे को कोई ऐसा हार्म नहीं, कोई लोड नहीं, आज ही बता दो मैं शेड्यूल कर दूंगा, दो तो देने ही पड़ेंगे, सैटरडे संडे 4 to 6, 4 to 6 किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है तो दोनों दिन 4 to 6, ओके बेटा 4 to 6 सैटरडे एंड संडे, सर क्या लोगे 4 to 6 सैटरडे और संडे को, बेटा सैटरडे और संडे को ये जो प्लस क्लासेस लूंगा इसके अंदर मैं आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट खत्म करवा दूंगा, ठीक है बेटा, वो तो प्रैक्टिकल वो तो अलग है, वो शाम को 1 घंटा जो चलता है सैटरडे वो प्रैक्टिकल का वो तो छोड़ ही दो, वो तो है ही है, नहीं इको नहीं है संडे को, आप एक बार शेड्यूल लिख लो जो मैं आपको दे रहा हूं सैटरडे का, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बेटा 6:15 टू 8:15 थर्सडे को है, फ्राइडे को है, सैटरडे को है, इसमें मैं लूंगा ईएफएफ, बेटा 10:30 टू 11:30 पीएम ईएफएफ के प्रैक्टिकल थर्सडे को है, फ्राइडे को है, सैटरडे को है, 4 to 6 पीएम एफएम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बैलेंस पोर्शन
ठीक है, जो आर्बिट्राज बोल रहे हो ना और एक थियरी पार्ट जो बाकी भी एक लेक्चर, ये मैं अलग से दे दूंगा, ये नेक्स्ट वीक देख लेंगे। अभी इसके अलावा वाईटीएम हो गया, वाईटीएम कैंपस के बाद करवा दिया, एक बार देख लेना वो हो गया। आर्बिट्राज को पूरा का पूरा एक लेक्चर लगेगा, थियरी को बेटा एक घंटा लगेगा, ये बाद में, ये नेक्स्ट वीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट सैटरडे खा लूंगा मैं आपका, नेक्स्ट सैटरडे बात करके कर लूंगा आर्बिट्राज वाला, ठीक है। ये शेड्यूल फाइनल है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब यही हिसाब से जाएंगे। हाँ, कैपिटल बजटिंग की बात करवा देते हैं इमीडिएटली, ठीक है बेटा। तो ऋषभ क्या करना, ऋषभ जैसे ही हमारा कल का लेक्चर खत्म हुआ है ट्रैकर के अंदर, उसके बाद पांच और छह, पांच छह लेक्चर जो भी रहेंगे हमारे प्रैक्टिकल के, वो अपेंड कर देना उसके आगे। तो प्लस के छह सात लेक्चर जितने भी हुए नेशनल इनकम के, वो होने के बाद यूट्यूब के लेक्चर लगा देना उसके बाद, वो दो तो हुए हैं, तीन और हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक तक तो भैया सब खत्म, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मंथ एंड तक ऑलमोस्ट सब खत्म खत्म फील होगा। मैं ज्यादा ज्यादा आगे मैंने थोड़ा कम लूंगा, क्लास के साथ में ही लगाए हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, इस बार सैटरडे संडे मैं अपना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आप मेरे को दो दो पांच, चलो पांच घंटे दे रहे हो और अगले दिन दो घंटे दे रहे हो, पहले यूनिट में कोई तकलीफ है तो बताइए, नई तकलीफ है तो यूनिट टू स्टार्ट करूंगा। मनी में दिक्कत नहीं, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये बेटा, जब तेरे पास कार खरीदता है तो 10 लाख रुपए देता है कार के, और तुझे कार मिलती है और वही कार को बेचने जाता है तो तुझे 5 लाख मिलता है, बराबर। तू बोलेगा सर वो उसको यूज किया है, घस गया, वो शोरूम के बाहर निकलते से 25% डेप्रिशिएट हो जाती है। लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं रहता, समझ। आज मैं तेरे साथ एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तू मेरे को 100 रुपए दे रहा है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए आ गए, तेरे पास से 100 रुपए चले गए। अब तू तेरा कोई सामान किसी और को बेचेगा बेटा, तेरे पास 100 रुपए का नोट आ जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं, मतलब रिसीव करते टाइम भी वैल्यू नहीं है, पेमेंट करते टाइम भी वैल्यू नहीं है, 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए लगेगी। कार के टाइम रिसीव करते टाइम वैल्यू 10 लाख है, बेचते टाइम 8 लाख है, समझ रहे। चलिए बात करते हैं बेटा डिमांड फॉर मनी, बहुत अच्छा टॉपिक है डिमांड फॉर मनी। आखिरकार आपको पैसे की मांग क्यों है, टेक्निकली अगर देखा जाए व्हाई डू यू नीड मनी, बेटा आपको पैसा चाहिए रहता है तीन रीजन से। सबसे पहला रीजन है लिक्विडिटी, आपको लिक्विडिटी के लिए चाहिए रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी, आपको इमीडिएटली कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने हैं, इमीडिएटली या कभी भी आपको अगर बाय करने हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। व्हाई डू यू नीड मनी, बिकॉज इफ यू वांट टू डू ट्रांजेक्शन यू शुड हैव परचेसिंग पावर, सो लिक्विडिटी गिव्स यू परचेसिंग पावर, समझ में आ रहा है। हम बोलते हैं मनी इज वेरी लिक्विड एसेट, उसका मतलब यह है। डिमांड फॉर मनी इज बेसिकली डिमांड फॉर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या, इमीडिएटली इसको कन्वर्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज उठा सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। सो वी कैन से दैट परचेसिंग पावर ऑफ मनी को, किसने बोला मनी की परचेसिंग पावर डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर तो मनी की परचेसिंग पावर से ही नहीं बोल रहा हूं मैं। भैया आप 100 रुपए रिसीव करते तो भी 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए पे करते तो 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही है। अगर आप यहाँ पे टीवीएम का कॉन्सेप्ट लगा रहे वो अलग है, वो एक सेपरेट फैक्टर है जो इसका एक्ट कर रहा है, पर मैं बात कर रहा हूँ रिसीव करते टाइम और पे करते टाइम 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही है। मैं कोई बात बता, तो रिक्शा वाले को 100 रुपए पे कर रहे हैं, वो 100 रुपए ही है, और तू किराने वाले से 100 रुपए ले रही है, छुट्टे को 100 रुपए 100 रुपए ही है। ऐसा नहीं कि तुझे रिसीव करते 100 रुपए की वैल्यू गिर जाती, पे करते तो 100 रुपए की वैल्यू बढ़ती, ऐसा कुछ नहीं है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड फॉर मनी, बेटा हमको मनी की डिमांड क्यों है, व्हाई देयर इज डिमांड फॉर मनी। सबसे पहला रीजन है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी है इमीडिएटली हमको कोई ट्रांजेक्शन करना, वी नीड मनी फॉर दैट, बार्टर सिस्टम तो गया। दूसरा है डिमांड फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, लेट से बेटा मैं एक टीचर हूं, अब कितने साल पढ़ा पाऊंगा बेटा मैं, जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से ग्रोथ वगैरह आई, मुझे लगता है मैक्सिमम 15 साल और खींच पाऊंगा। लेकिन बेटा उसके बाद क्या, उसके बाद तो बेटा अभी का कमाया हुआ पैसा ही खर्च करना है ना। मनी आपको ये चीज अलाउ करती है, मान लो मनी नहीं होता तो आज बेटा समझो तने है, आज मान लीजिए तने है, तने के पास बंगला है, तो मैं तने को बोलता हूं इकोनॉमिक्स का लेक्चर डिलीवर करता हूं मुझे बंगला दे दे, वो आज चलेगा। ऋषभ के पास बेटा गाय है, वो मेरे को गाय उठा के दे देना, बोलता सर इसका दूध निकाल के लेना, ठीक है। रूपाली के पास बेटा खेत है, उसने उसमें अनाज ला के दे दिया, अभी तो चल जाएगा लेकिन आगे का क्या बेटा, आगे का क्या। तो मनी फैसिलिटेट करता है कि भैया आप जो भी कर रहे हो एफर्ट उसके बदले ले लो मनी, ये मनी फॉर फ्यूचर में कभी भी कर सकते हो, बोलते स्टोर ऑफ है, नॉट जस्ट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबिलिटी की कैरेक्टर सिखाई नहीं, मैं बोल रहा हूं फ्यूचर में खर्चा किया जा सकता है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हमें मनी की डिमांड क्यों है, इमीडिएट खर्चे के लिए भी, जिसको कॉल्ड एज लिक्विडिटी, और स्टोर ऑफ वैल्यू है फ्यूचर के खर्चे के लिए। मोर ओवर बेटा हमें मनी इसलिए चाहिए रहती है ताकि हम रियल गुड्स एंड सर्विसेज बाय करें, हमारी डिमांड एक्चुअली कभी भी मनी की रहती है, हमारी डिमांड रियल गुड्स एंड सर्विसेज की रहती है, वी वांट टू कमांड, वी वांट टू अक्वायर रियल गुड्स एंड सर्विसेज, समझ गए। तो बेटा अगर आपसे पूछा है व्हाई देयर इज डिमांड फॉर मनी, सो डिमांड फॉर मनी इज बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन है वी नीड मनी टू बाय रियल गुड्स एंड सर्विसेज, टू कमांड ओवर रियल गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो जी बोलो, बताओ भाइयों बहनों, बताइए
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, उचित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा फैक्टर ऑन विच डिमांड ऑफ मनी इज डिपेंडेंट। क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर ऑन विच डिमांड ऑफ मनी इज डिपेंडेंट, तो क्या हो निकाल के बताओ। अरे भैया मैं क्या बोल रहा था भाई, वो ज्यादा रहे ना वो हाँ भैया वो पढ़ देखिए भैया मैं आता ना आपको कभी साथ छोड़ा क्या भैया आता हूँ भैया आपको पता है भैया दीदी जितनी बार मुझे भाई बोल दे उससे तीन गुना ज्यादा मेरे को भैया बोलता है। सर भैया वो कैसा है बाजू का घर भी तो अपना ही है ना ऊपर का भी घर अपना ही है ना भैया। अरे भैया चल अब हम बात करते हैं फैक्टर ऑन विच डिमांड ऑफ मनी इज डिपेंडेंट। आइए अब हम चर्चा करते हैं वो सारे फैक्टर्स की जिसके ऊपर मनी की डिमांड डिपेंडेंट है। ठीक है भैया तो हाँ दोस्तों बेटा समझ लेते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पहले तो यूनिट समझो, यूनिट बोल रहा है कि भैया आपको किसी जरूरत क्यों है, तो आपने बोला पैसा भेजेंगे लिक्विडिटी के लिए और स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, अभी करंट ट्रांजेक्शन के लिए फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए रियल गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेंगे। ठीक है अब ये बोल रहा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर मनी की डिमांड डिपेंडेंट है। पहला फैक्टर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा हायर द इनकम एंड हायर द एक्सपेंडिचर हायर विल बी द डिमांड फॉर मनी ऑफ हायर विल इफ योर इनकम इज हायर आपकी एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होंगे और फिर आपको पैसा भी ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको खर्च करना है। हायर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर हायर विल द डिमांड ऑफ मनी दिस बिकॉज विद हायर इनकम टेंडेंसी टू एक्सपेंड ऑल्सो राइजेस। न्यू स्टडी रिवील्स दैट सन इज एस्टिमेटेड टू डाई, ये बोलेंगे देखना 10,000 साल बाद मरेगा। वाओ सन इज एस्टिमेटेड टू डाई 4.57 बिलियन ईयर्स, नहीं करंट एज इज एस्टिमेटेड टू बी 4.57 बिलियन ईयर्स। द डेटा शो दैट इट विल 10 से 11 बिलियन ईयर्स में मरेगा। 10 अंदाजे देखो 10 11 बिलियन साल में मर जाएगा। शाबाश शाबाश ये भाई नासा वाले कोई सेंस नहीं इस बात का, बोलने वाले के कम से कम 20 25 30 लाख जन्म हो जाएंगे फिर भी कोई सेंस नहीं उसकी बात का। ठीक है कौन मारेगा डाई मतलब वो स्टार मर जाते हैं ना स्टार ने कौन रहेगा देखने के लिए, इसलिए तो बोलिए आपने बोला आखिर फर्क किसको पड़ता है, बोले किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए आईलैंड कर दिया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा जनरल प्राइस इंडेक्स। बेटा जनरल प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अब आप ही मुझे बताइए अगर महंगाई बढ़ रही है कमोडिटी का दाम महंगा होते जा रहा है तो आपको ज्यादा पैसे लगेंगे खर्च करने के लिए कमोडिटीज बाय करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा अगर आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो भी ज्यादा मनी लगेगा, अगर जनरल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है तो भी खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। अब सुनना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी इंटरेस्ट रेट, अगर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रेट मिल रहा है समझो एफडी 12% देगी तो आप क्या बोलोगे, अब यार एफडी तो बहुत बढ़िया है एफडी 12% रेट दे रही है चलो भैया एफडी के अंदर पैसा लगा देते हैं खर्चा बचा बाद में करेंगे, पैसा रखो अभी अपने को रखना, अभी मेरे को पैसे की डिमांड है इसको इन्वेस्ट कर देता हूं। क्यों किया क्योंकि आपको एफडी आपको इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाइयर है बाहर पैसा लगाने पर दूसरी जगह पैसा लगाने पर ज्यादा रिटर्न मिलता है तो आप क्या बोलोगे जान दे खर्च नहीं का मनी की डिमांड क्रिएट नहीं करता मैं रादर इसको इन्वेस्ट कर दूंगा। भैया पैसा एफडी में डालने की एसआईपी करना, भैया पैसा एफडी में डालना एसआईपी आपकी एज में तो बेटा रिस्क लेना ही लेना आपकी एज में रिस्क जितना मैक्सिमम ले सकते हो अगले 5 साल लेना। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, जरा ध्यान से सोचना बेटा आज के टाइम एफडी को ब्रेक होने में पता है कितना टाइम लगता है 10 सेकंड लगते हैं एफडी को ब्रेक करना है ना डिजिटली 10 सेकंड लगते हैं, तो मैं क्या सोचता हूँ पहले कितना मुश्किल था एफडी को ब्रेक करना यार बैंक में जाओ बैंक हॉलीडे अभी तो देखो कितना गंदा सीन चलता है सैटरडे को छुट्टी संडे को छुट्टी मंडे को छुट्टी और ट्यूजडे को पारसी न्यू ईयर की छुट्टी, तो भैया ऐसे समय क्या सोचेगा इंसान रखो एफडी में पैसा ना रखने का क्योंकि भैया पैसे की आड़ी अड़चन में जरूरत पड़ी तो कहां से लेकर आएंगे, आज के टाइम डिजिटली एफडी 10 सेकंड में ब्रेक होती है तो मैं क्या बोल रहा हूँ अपने पास पैसा रखे मतलब क्या उसको काम पे लगा देते हैं एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं अगर मान लो जरूरत पड़ी तो तोड़ लेंगे एफडी नहीं जरूरत पड़ी तो ठीक है, तो जितना फाइनेंशियल इनोवेशन ज्यादा होगा आप उतना कम पैसा रखोगे अपने पास। फाइनेंशियल इनोवेशन लाइक इंटरनेट बैंकिंग एटीएम यूपीआई बेस्ड पेमेंट रिड्यूसेस द नीड ऑफ होल्डिंग कैश, आप रखने की जरूरत इन्वेस्ट 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 कीप एवरीथिंग इन बैंक डोंट कीप हार्ड मनी। तो ये चार फैक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच डिमांड ऑफ मनी डिपेंडेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर जनरल प्राइस लेवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन आईजीआईडी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, इंटरेस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, जनरल प्राइस लेवल के साथ डायरेक्ट है और इनकम के साथ डायरेक्ट है। मनी ही नहीं है सर अभी सुन यश 10 लाख रुपए पड़े तेरे पास तू बोलते क्या करूं इस पैसे का, अपने पास कैश अगर रखता हूं मैं ऐसा खर्च तो करना ही आज ना कल करना ही है, पर अगर आज मैं कैश में रखता हूं तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा मेरे को, पर अगर मैं बैंक और एफडी में पैसा लगा देता हूं बेटा तो छुट्टी पड़ती है बैंक में बैंक वाले टाइम पर पैसा लगाने जाने बहुत तकलीफ बहुत मुश्किल है, तो तू असमंजस में रहता है कश्मकश में रहता है पैसा डालू या अपने पास रखूं पैसे की डिमांड करूं अपने पास हार्ड कैश या बैंक में डाल के रखूं, पर आज के टाइम इतने फाइनेंशियल इनोवेशन आ गए क्या बोलते सारा का सारा पैसा कर देते इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालो पैसा इन्वेस्ट करो 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 और जरूरत पड़ी पैसे इमीडिएटली विड्रॉ कर देंगे, तो बेटा जितना फाइनेंशियल इनोवेशन होगा मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करके रखोगे जरूरत पड़ी तो इमीडिएटली लिक्विडेट करोगे।
ओए ओए न्यू सिलेबस आ गया आपका, नहीं सीएमए का। शाबाश, सुब 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 इसको पढ़ के अच्छी बनाई मैंने। क्या करके करूं मतलब कोई समझ नहीं, तगड़ी बनाई हूँ, फर्स्ट लुक नहीं इंप्रेस कर दिया। तीन मॉडल लिए, चार मॉडल लिए, इनको पांच मॉडल, छह मॉडल, ये सब देखते हैं। चलो चलिए, समझ में आया क्या बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? 600 पढ़ने के छह नहीं है, छह मॉडल में डिवाइड किया, कोई जरूरत नहीं करने की, एक ही कोर्स करो अच्छे से, दो तीन करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े, एक बार पक्का देख लो, डिमांड फॉर मनी क्यों है? डिमांड फॉर मनी इज बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। डिमांड ऑफ मनी इज ऑल्सो देयर टू कमांड ओवर रियल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मींस टू बाय रियल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर्स और वेरिएबल ऑन दिस डिमांड ऑफ मनी इज डिपेंडेंट, तो आप बोलेंगे बेटा कितने फैक्टर्स हैं? आप लोग बोलेंगे चार फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट रिलेशनशिप बेटा, जनरल प्राइस लेवल डायरेक्ट रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट इनवर्स रिलेशनशिप, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन इनवर्स रिलेशनशिप। अब बेटा हम लोग छह थ्योरीज पढ़ेंगे डिमांड फॉर मनी के लिए, छह थ्योरीज पढ़ते थे हम लोगों का ये पूरा का पूरा यूनिट भी खत्म हो जाएगा, और छह में से एक थ्योरी आती आती। तो छह थ्योरी कौन कौन सी है? सबसे पहला है QTM, QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय आर्विंग फिशर। दूसरा है बेटा कैश बैलेंस अप्रोच, नियो क्लासिक अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच, तीनों एक ही नाम है, एल्फ्रेड मार्शल और एसीबी ने दिया। तीसरा है बेटा किनीशियन थ्योरी, जॉन मिनार्ड केन्स हर जगह होता है बेटा, वो कहीं नहीं जाता, जॉन मिनार्ड केन्स भी थ्योरी लेगा किनीशियन थ्योरी। फिर किनीशियन के बाद जो थ्योरी है उनको पोस्ट किनीशियन थ्योरी बोलते हैं, यानी किनीशियन थ्योरी के बाद जितनी भी आई आपको बोलते हैं पोस्ट किनीशियन। पोस्ट किनीशियन में पढ़ेंगे इन्वेंटरी अप्रोच, बाउमल साहब आगे, बाउमल आपने कहां का पढ़ा पता है? आप लोगों ने इसको नहीं, फाउंडेशन, फाउंडेशन मुझे पता नहीं, कॉस्टिंग में पढ़ा बेटा इसको, ईओक्यू मॉडल देने वाले, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे, कैश मैनेजमेंट पे पढ़ा बेटा। फ्रीडमैन अप्रोच, लोग इसको फ्राइडमैन भी पढ़ते हैं, फ्राइड नहीं बेटा फ्रीडमैन है, तो बोलेगा कलावा आदमी का क्या अप्रोच है सर, वही वाला है इन्वेंटरी अप्रोच, फ्रीडमैन अप्रोच, और लास्ट है बेटा रिस्क थ्योरी, डिमांड फॉर मनी, इसको रिस्क थ्योरी बोलते हैं, टॉबिन ने दिया। तो छह थ्योरीज हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं, नाम बिल्कुल याद मत करो क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी याद करनी, तो नाम याद करके क्या करोगे, सिर्फ नाम से क्या होगा सर? पोस्ट क्रिएशन की बोलते हैं, क्रिएशन के बाद, जैसे जीसस, जीसस क्राइस्ट से पहले बेटा जो भी साल गया उसको बीसी बोलते हैं, अभी एडी बोलते हैं, है ना, तो मतलब कट ऑफ ही है। इनिशियल थ्योरी के बाद जितनी भी नई थ्योरी उनको पोस्ट इनिशियल थ्योरी बोलेंगे, ऐसे बस। यूटीएम के बाद नहीं मतलब, हाँ मतलब किनीशियन इकोनॉमिक्स का जीसस है, इसके बाद नया युग आया। कल यहीं से आ गया, बहुत फनी डायलॉग चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, जीवन है, चल रहा है, समय है, कट रहा है। बोलिए यहां तक समझ में आया बेटा? आपको ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आठ दस पन्ने थ्योरी से याद करेंगे आप, नाम याद करके क्या करोगे, नाम के साथ पूरी थ्योरी बनेगी आराम से। तो भी छह थ्योरी कौन कौन सी है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय आर्विंग फिशर, दूसरी है कैश बैलेंस अप्रोच, नियो क्लासिक अप्रोच या कैम्ब्रिज अप्रोच, ये दिया है मार्शल और पिगुने। तीसरा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, दैट इज इनिशियल थ्योरी। नेक्स्ट है बेटा इन्वेंट्री अप्रोच, बाउमल साहब ने दिया। उसके बाद है बेटा फ्रीडमैन की थ्योरी, और लास्ट है रिस्क थ्योरी गिवन बाय टॉबिन। जीवन है, चल रहा है, सही है, कट रहा है, सही क्या होता पता नहीं, समय है, कट रहा है। चलिए, लेकिन बेटा ये थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको तीन चीजें सिखाना चाहता हूँ, ट्रांजेक्शन नीड, प्रिकॉशनरी नीड और स्पेकुलेटिव नीड। मैं आपको बताता हूँ दर्शन की बात। हमारी क्लास में एक लड़का है बेटा दर्शन, ये दर्शन है बेटा, दर्शन को आज तक किसी के दर्शन नहीं हुए, चाकू नहीं है, हाथ है उसका, अंगूठा दिखा रहा है, चाकू कहां से दिख रहा है मित्र को, ऐसा कैसा चाकू जो दिखा ही नहीं है? अरे वो सही बात, अरे वही बोलना चाहिए इसको, चाकू कहां दिखा है? सुनो तो बेटा, एक दिन ये क्या बोलता है, एक दिन अपने पापा को बोलता है पापा पापा पापा, वो बोलते हैं हाँ बेटा पापा पापा अपन गांव में रहते, कहां रहता है बेटा तू, कहां रहता है तू, मोरबी गुजरात, ठीक है, ये बोलता है पापा पापा हम मोरबी में रहते हैं, मोरबी के अंदर पापा आईसीआई का सेंटर नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बस में बैठकर जाता हूं अहमदाबाद जाता हूं, ठीक है, मैं मोरबी में बस लेकर, हमें तुम्हें कही एम तुम्हें कही थी, मैंने तुझे बताया था, मैंने तुझे कहा था एम तुम्हें कही थी, अच्छा
अहमदाबाद यहाँ बोल रहे पता किधर से हो ऐसे चलो ध्यान दो ना तो होता है पंपा मैं मोरबी से अहमदाबाद जाऊंगा ठीक है आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा कितना लगता है आईसीआई का रजिस्ट्रेशन का लेट से 15,000 रुपए लगता है मान लेते हैं बेटा मान लेते हैं ध्यान से सुनना तो बोलता है पंपा मुझको कुछ पेन से चाहिए पंपा बोलते हैं कितने पेन से चाहिए तो बोलता है पंपा पंपा मुझे 15,000 रुपए की आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करना है पंपा पंपा मुझे बस के आवक जावक के 700 रुपए लग जाएंगे पंपा मैं खाना भी खाऊंगा 600 रुपए का और पंपा पंपा मैं गुटखा भी खाऊंगा 30 रुपए का गुटखा भैया उसके लिए जरूरी कितने रुपए हो गए बेटा कितने रुपए हो गए 16,330 तो बेटा इसके पापा ने इसको बराबरी से 16,330 रुपए हाथ में दे दिए बताओ क्यों दिए अरे सर उसको ट्रांजेक्शन करना है ना 16,330 का एक्जैक्टली बेटा यही होता है ट्रांजेक्शन नीड ट्रांजेक्शन नीड बोलता है जितने का आपको ट्रांजेक्शन करना है उतने ही एग्जैक्ट बेटा इनके पैसे लेकर जाना बस लेकिन ये क्या बोलता है पापा अगर बस खराब हो गई तो फिर मेरे को रिक्शा करनी पड़ेगी पापा अगर जहां मैं खाना खाता हूँ खाना नहीं मिला तो मुझे 5 स्टार में जाना पड़ेगा पापा पापा अगर मुझे जुबान केसरी करने के लिए कौन सा विमल नहीं मिला तो रजनीगंधा खाना पड़ेगा तो पापा आप 1,000 रुपए और दे दो मेरे को ये पैसे 1,000 क्यों लिया भैया ये प्रिकॉशन के नाम पे ठीक है वो बोले उनके बेटा तो 16,330 एग्जैक्टली बेटा जिनके पापा देते पैसे तो वो ट्रांजेक्शन के लिए थे ये ऊपर जो दिए प्रिकॉशन के लिए दिए समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो अब ये क्या बोलता पापा आपको याद है पिछली बार अहमदाबाद गए थे बोला हाँ बेटा अपन अहमदाबाद गए थे वहां पर आपको टी शर्ट पसंद आई थी हाँ हाँ बेटा लेकिन वो टी शर्ट उस समय बहुत महंगी थी पापा अगर वो टी शर्ट इस बार सस्ते में तो मैं लेकर आ जाऊँ क्या मतलब अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या हम मार दे हथौड़ा हाँ बोले पापा बोले मार दे हथौड़ा इसने खुद के पैर हथौड़ा मार के इतना मुर्गे नहीं मारे इसने इसके पैर हथौड़ा बेटा ये बोलता है कि पापा एक काम करो 2,000 रुपए और दे दो ये मैं खर्च नहीं करूंगा प्रिकॉशन के नाम के भी नहीं और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो तुरंत लेकर आ जाऊंगा समझ रहे हो पापा पापा अगर अच्छी चप्पल मिली तो चप्पल ले आऊंगा पापा पापा अगर मान लो सस्ते में मिल गई तो ले आऊंगा तो बेटा ये वाला पैसा किसी है ट्रांजेक्शन के लिए ये वाला पैसा किसी प्रिकॉशन के लिए और ये पैसा स्पेकुलेशन के लिए मतलब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको तुरंत ग्रैब कर लेंगे बेल्ट मिला तो वो भी ले आना सूद दूंगा समझ गए बोले यहां तक सारी बात समझ में आ गई पापा के साथ अब ज्यादा हो रहा है नहीं नहीं बेल्ट नहीं समझ गए ओके बेटा तो यही है वो तीन मोटिव पहला है ट्रांजेक्शन मोटिव दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव अब जरा ध्यान देना आपके सामने बहुत अच्छी बातें करने वाला हूं अच्छी बात है बेटा ट्रांजेक्शन मोटिव ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब क्या है सर गुड्स एंड सर्विसेज बाय करना अब ये कोई भी कर सकता है बेटा हाउस होल्ड सेक्टर भी कर सकता है फर्म भी कर सकती है बराबर तो बेटा फर्म को भी पैसा चाहिए रहता है ट्रांजेक्शन के लिए हाउस होल्ड को भी पैसा चाहिए रहता है हाउस होल्ड को जो पैसा चाहिए जाता है चाहिए रहता है उसको बोलते हैं इनकम मोटिव और फर्म के केस में बोलते हैं ट्रेड मोटिव समझे ठीक है बेटा प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब है अनफोर्सीन अनप्रेडिक्टेबल एंड अनएंटीसिपेटेड आजकल तुम्हें अन सुनने की बहुत आदत होगी ना Anarcharvike is unprecedented, unbelievable, unmethodical, unparalleled, unbeatable, unmatched platform. ये अलग अन लगा रहा हूँ. अन भूल गया मैं क्या था. Unavoidable, un अरे मैं भूल गया अन बोलते बोलते. Unavoidable पढ़ लेते मैं इतनी अन लगा के सच में भूल गया. क्या है भैया? Unforeseen, unpredictable. ठीक है? ठीक है? Unforeseen, unpredictable. बेटा मतलब आई अड़चन में लगने वाला पैसा और तीसरा क्या है बेटा स्पेकुलेशन के लिए ये तो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने एक्सप्लॉइट का मतलब हमेशा खराब नहीं होता अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए लगने वाला पैसा बात समझ में आई आपको अब जरा ध्यान से सुनना बेटा अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं इसको पहले बस में रवाना कर दें अपन मोरबी की बस से भेज दें इसको भेज दो सर ट्रांजेक्शन में सर हाउस होल्ड का एक्सपेंस मोटिव होगा उसको नाम दिया है इनकम मोटिव मतलब वही है कि भैया डेली उपयोगी वस्तुएं खरीदना समझे क्या बेटा ये तो बस में गया अब बेटा ये बस में जा रहा था तो इसकी कावली बावली नजरें दिख रही क्या तुमको आके दिख रही इसकी कावली बावली बेटा इसको रस्ते में कावली बावली नजरें से इसको दिखा कि भैया एक टी शर्ट के ऊपर बाय वन गेट 100 फ्री ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी बेटा घनघोर अपॉर्चुनिटी देखी बेटा अब आप मुझे बताइए ये तो मस्त अपॉर्चुनिटी है बेटा क्या ये वाले पैसे उसके लिए खर्च करेगा क्या जरा सोच के बताना इसकी नीड नहीं है बट एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या ये खर्च करेगा नहीं तो बेटा ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए खर्च करे रखे गए पैसे आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते मार्केट में कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए आप इसको नहीं इन्वेस्ट करते इसको बोलते हैं बेटा इंटरेस्ट इन इलास्टिक बेटा इंटरेस्ट वर्ड क्यों बोला इंटरेस्ट का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बेसिकली यहां पर एक स्कीम चल रही है बेटा दो दिन में पैसा डबल ये यहां पर पैसा नहीं लगाएगा भले अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी ट्रांजेक्शन के लिए जो रखा गया पैसा वो आप इन्वेस्ट नहीं करते दूसरा बेटा प्रिकॉशन के लिए रखा हुआ पैसा क्या वो यहाँ पर लगा सकता है हाँ थोड़ा बहुत लगा सकता है क्यों क्योंकि देखो प्रिकॉशन के नाम का पैसा तो प्रिकॉशन के लिए रखा है आप थोड़ा रिस्क लोगे थोड़ा पैसा लगा दोगे बट बेटा स्पेकुलेशन वाला पैसा तो सारा का सारा उठा के लगा दोगे क्योंकि स्पेकुलेशन वाला पैसा आपने रखा ही इसलिए तो भैया एक इंसान भी इसी तरीके से मनी की डिमांड करता है तीन पर्पस के लिए ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए इंटरेस्ट इन इलास्टिक मार्केट में कुछ भी हो जाए तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो वो यहाँ पे खर्च करेगा ये वाला पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा प्रिकॉशन के नाम पे पैसा रखता है लेकिन प्रिकॉशन के नाम का पैसा इन्वेस्ट करता है थोड़ा सा लाइकली इनकम इलास्टिक और बेटा स्पेकुलेशन वाला पैसा तो आप इन्वेस्ट कर ही देते हो अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो
मैं काफी समझदार लगता हूँ बाय द वे। अच्छा ऐसा, समझ में? तो पढ़ते हैं बेटा, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, पहले ट्रांजेक्शन मोटिव पढ़ते हैं बेटा। आइए बेटा, ट्रांजेक्शन मोटिव दो पेज की बात दिया है। सो भैया ट्रांजेक्शन मोटिव, इट इज द नीड फॉर कैश फॉर करंट ट्रांजेक्शन फॉर पर्सनल एंड बिजनेस। सही बात है बेटा, हाउसहोल्ड को पर्सनल काम है और बिजनेस को बिजनेस में काम आता है। सो बेटा ट्रांजेक्शन मोटिव इज फॉर बोथ पर्सनल एंड बिजनेस। पर्सनल नीड को बोला जाता है बेटा इनकम मोटिव और बिजनेस नीड को बोला जाता है ट्रेड मोटिव। समझ में आया क्या? तो एक ही चीज रिपीट हो रही है बेटा, ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब क्या होता है, नीड ऑफ मनी फॉर पर्सनल एंड बिजनेस। पर्सनल को बोलते हैं इनकम मोटिव और बिजनेस को बोलते हैं ट्रेड मोटिव। ध्यान से सुनना सर, ये ट्रांजेक्शन नीड के नाम के पैसे क्यों लग रहे हैं? दिस नीड अराइजेस ड्यू टू टाइमिंग गैप बिटवीन रिसीट ऑफ इनकम एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना बेटा, आपके पापा के पास महीने में एक तारीख को पैसे आते हैं, बराबर है, और वो खर्च कब होता है, थ्रू आउट द मंथ होता है। तो पापा वो पैसा साइड में निकाल के रख देते हैं, बराबर है। तो आप इसको अलग अलग डायमेंशन से समझो कि पैसा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आता है और आपको खर्चा पूरे मंथ पूरे प्लान्ड पीरियड में करना रहता है, ट्रांजेक्शन पूरे पीरियड में करना रहता है। आपके पास इनकम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रही है और उसका एक्सपेंस बेटा ओवर द पीरियड स्प्रेड है। तो देखो वो सिंपल जनरिक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बेटा। ट्रांजेक्शन मोटिव अराइजेस इन केस ऑफ बेटा पर्सनल एंड बिजनेस नीड। पर्सनल नीड को बोला जाता है इनकम मोटिव और बिजनेस नीड को बोला जाता है ट्रेड मोटिव। ये ट्रांजेक्शन क्यों करना पड़ता है आपको? ट्रांजेक्शन इसलिए करना पड़ता है सर, इनकम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आते हैं, होते हैं अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, सो देयर इज गैप बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट। ट्रांजेक्शन डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्केट में कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, आप इसके लिए रखा गया पैसा खर्च नहीं करोगे। समझो दर्शन के पापा ने दर्शन की पढ़ाई के लिए बेटा पैसे निकाल के रखे हैं। अब मार्केट में कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, दो दिन में पैसा डबल, पापा नहीं डालेंगे उसके अंदर पैसा। समझ रहे हो क्या? रोहन के पापा डाल देंगे। रोहन के पापा बोलेंगे वैसे भी लड़का पढ़ता कहां है, डाल दो सारा पैसा, बेटे में सट्टा लगाने से अच्छा मार्केट में सट्टा लगा दो, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 21 दिन का 21 साल में पैसा डबल करके दिखाओ, मेरा बच्चा तुम्हारे पैसे डुबा है, तो तुम्हारे पापा डाल देंगे, पर दर्शन के पापा नहीं डाल। ठीक है, बेटे वाले में रिस्क ज्यादा है, तेरी तो बेटा ही है ना दर्शनी, कौन सा बिटिया है, अगले जन्म मोहे बिटिया की, जो कौन सी लड़की है हमारे हैं। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन डिमांड इज इक्वल टू अर्निंग इनटू रेशियो ऑफ इनकम व्हिच इज केप्ट फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। मतलब कुछ नहीं इसका, ये बोल रहा है ट्रांजेक्शन नीड इज इक्वल टू योर इनकम इनटू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बट ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बड़ी नहीं यूज किया, इन्होंने बोला रेशियो ऑफ इनकम व्हिच इज केप्ट फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। तो बेटा आपकी इनकम रहेगी 10 लाख और आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 70%, तो आप कितना खर्च करोगे 7000। इनकम है 20 लाख, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 70%, तो खर्च कितना करोगे 14 लाख रुपए। बस इसको अलग वर्ड में लिखा है, ट्रांजेक्शन डिमांड इज इक्वल टू अर्निंग इनटू परसेंटेज ऑफ इनकम व्हिच इज टू बी एक्सपेंडेड, रेशियो ऑफ इनकम व्हिच इज केप्ट फॉर ट्रांजेक्शन। नया मॉडल आ गया, सब एकदम से टेंशन बढ़ जाता है, फिर से नया सिलेबस बनाओ, 5 साल तक चलेगा क्या भैया, क्या होगा इसमें ओल्ड न्यू दोनों मैच करते बैठो, ओल्ड न्यू ओल्ड बहुत तकलीफ, बहुत झंझट है, आपको कैसे समझेगा अभी देखने पर कैसे समझेगा। मजा तो बहुत आएगा, खैरियत पूछो। एप्पल यूज किया है 4 साल और फिर 2 दिन, एसएमपी नहीं पढ़ा था, वो तो है नहीं सकते गया एसएमपी ओटीटी के लिए। अच्छा ओटीटी बोला मेरे को, वो ओटीटी मतलब वो होता है ना ओवर द टॉप ओवर टू टॉप, अब मेरे को वही लगा आईटीओटी, बाद में करना है, कभी नहीं कर सकते आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद कभी भी कर सकते हो। मेरी ओटी हो चुकी है, बहुत बड़ी ITOC बोल रही होगी शायद, वो तो मैं समझ गया, मैंने जवाब भी दे दिया। लेकिन बेटा पहले ट्रांजेक्शन मोटिव समझो, क्या होता है सर ट्रांजेक्शन मोटिव? सर ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब होता है मनी रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल एंड बिजनेस नीड। पर्सनल नीड को क्या बोला जाता है इनकम मोटिव और बिजनेस नीड को बोला जाता है ट्रेड मोटिव। सर ये ऐसी समस्या क्यों आ रही ट्रांजेक्शन नीड की? क्योंकि रिसीट ऑफ मनी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे और उसका एक्सपेंडिचर अलग पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखिएगा ये स्ट्रेस इनइलास्टिक है, मार्केट में कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ट्रांजेक्शन के नाम पे रखा पैसा खर्च नहीं कर। एंड ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू इनकम इनटू परसेंटेज ऑफ मनी व्हिच यू वांट टू एक्सपेंड, दैट इज रेशियो ऑफ इनकम व्हिच इज केप्ट फॉर ट्रांजेक्शन। ओरिएंटेशन वो कोर्स है, चलो ध्यान दो यहां पे ओरिएंटेशन कोर्स। नेक्स्ट है बेटा प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी नीड का मतलब क्या है? मनी व्हिच इज केप्ट टू हेज योरसेल्फ, हेज मतलब प्रोटेक्ट योरसेल्फ, मनी व्हिच इज केप्ट टू हेज योरसेल्फ और प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट अनफोर्सीन अनप्रेडिक्टेड एंड अनएंटीसिपेटेड इवेंट। इंडिविजुअल एंड बिजनेस की पोर्शन ऑफ मनी इनकम टू फाइनेंस अनफोर्सीन अनप्रेडिक्टेबल अनएंटीसिपेटेड अनप्रेसिडेंट अनबिलीवेबल अनमेथोडिकल अनपैरेलल अनमैच्ड नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ याद रखना अनफोर्सीन अनप्रेडिक्टेबल एंड अनएंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। प्रिकॉशन के नाम पे जो पैसा रखते हैं आपको पता भी है, ये पैसा जो रखा है प्रिकॉशन के नाम पे रखा है, ये 500 रुपए जो वॉलेट में रखे प्रिकॉशन के नाम पे,
ये खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, थोड़ा पैसा इसमें से इन्वेस्ट कर दे, ओके, क्योंकि आपको पता है कि खर्च तो होने नहीं वाला है, लेकिन बेटा प्रिकॉशन के नाम का पैसा खर्च कर देना थोड़ा रिस्क ले रहे हो, लेकिन आपको रिस्क लेने के लिए तैयार। प्रिकॉशनरी डिमांड डिपेंड अपॉन साइज ऑफ योर इनकम, इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन, इनकम रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, फार साइटेडनेस। ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रिकॉशनरी नीड है ना, ये डिपेंड करती है आपकी इनकम के ऊपर। आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो आप प्रिकॉशनरी के नाम पे पैसा रखोगे। अब निखिल की बात करें, बेटा निखिल कमाता है 100 रुपए, 60 रुपए का पौवा मारता है, 40 रुपए चावल खाता है, ट्रांजेक्शन में इसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, किधर प्रिकॉशन के नाम पे पैसे रख लिया, समझो। तो भैया प्रिकॉशन के नाम पे जो पैसे रखे जाते हैं, तो प्रिकॉशनरी नीड ऑफ मनी इज डिपेंडेंट ऑन योर इनकम, इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन। सर हमारे देश के हालात से चल रहे, कोविड टाइम पर लोगों ने प्रिकॉशनरी मनी बहुत रखी थी। पर्सनल ट्रेड, पर्सनल ट्रेड आप कितने जीरा या फटू हो, निखिल बहुत जीरा है, बोलता है 100 रुपए में, अगर 100 रुपए हमारे 110 का खर्च करूंगा जीरा है, पर रूपाली फटू है, बोलती है 100 रुपए हमारे 20 रुपए तो सेव करूंगी करूंगी। ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि कितनी है, कितना आपको लगता है हाँ भैया अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे, अगर आपको लगता है बहुत पेसिमिस्ट हो आप तो बहुत कम पैसा रखोगे। बोले मेरी बात पे नहीं। प्रिकॉशनरी मोटिव आर कंसिडर्ड इनकम इलास्टिक एंड बाय इटसेल्फ नॉट वेरी सेंसिटिव, थोड़ा बहुत पैसा डालोगे इंटरेस्ट रेट से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो भैया प्रिकॉशनरी नीड ऑफ मनी इज सेव्ड बाय बिजनेस एंड हाउसहोल्ड टू मीट अनफोर्सीन अनप्रेडिक्टेबल, आप बेटा एग्जाम में अनफोर्सीन अनप्रेडिक्टेबल एंड अनएंटीसिपेटेड लिखना, नहीं तो अनमैच, अनपैरेलल, अनमेथोडिकल, अनपैरेलल वो मत लिखकर आ जाना बेटा। हाँ, सी पॉइंट बोलता है, सी पॉइंट बोलता है बेटा यश मैंने मेरे पास 10,000 रुपए प्रिकॉशन के नाम पे रखे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ना तो थोड़ा बहुत पैसा लगा भी दूंगा, ज्यादा नहीं उत्साहित हो जाऊंगा, बेटा ये पैसा प्रिकॉशन के नाम पे लगाने की कोशिश करूंगा, पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इमीडिएटली सारा पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। इट इज इंटरेस्ट इलास्टिक, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा लगाने के बारे में सोचूंगा, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिला नहीं लगाओगे, भाग जाते, प्रिकॉशन। नेक्स्ट है बेटा स्पेक्युलेटिव नीड, स्पेक्युलेटिव नीड का मतलब कोई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना। दिस नीड रिफ्लेक्ट पीपल डिजायर टू होल्ड द कैश इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये थ्योरी बोलती है कि आपको इमीडिएटली अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली लगा दो पैसा, वो पैसा आपने रखा इस साइड में, इसलिए आप इन्वेस्ट कर सको। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द पोर्शन ऑफ कैश विल बी केप्ट इन एसेट पोर्टफोलियो डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट रेट, हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर विल बी द स्पेक्युलेटिव डिमांड। सर लोअर स्पेक्युलेटिव डिमांड, लोअर स्पेक्युलेटिव डिमांड का मतलब सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए रेट कम हो, सॉरी इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सारा का सारा पैसा डाल दो बेटा, सारा का सारा स्पेक्युलेटिव स्पेकुलेशन की रखा पैसा इन्वेस्ट कर दो, बस कुछ होल्ड नहीं करोगे, और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं अच्छा मिला तो सारा का सारा स्पेकुलेशन के नाम पे रखा पैसा अपने पास होल्ड कर दो। मिशिका लड़कियों के नाम कितने यूनिक मिल जाते ना, लड़कों के यही 5-6 नाम, अरुण, दर्शन, ऋषभ, सालों से चलते आए, 20 साल पहले भी ऋषभ मिल जाता था, 20 साल 200 साल पहले भी अरुण मिल जाता था, विजय भी मिल जाता है, आदित्य, प्रियम, तो चलो नए हैं बच्चे के अंदर बिल्कुल संस्कार नहीं, तो चलो नाम से ही संस्कार लगना चाहिए, नाम में डाल दे संस्कार, मिल जाता। लड़कियों के नाम ईशिता, ईशिका, ईशान्या, कविशा, कनिका, क्या है बाबा, मतलब मेरे को तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ यह है कि माँ बाप की क्रिएटिविटी बच जाती है लड़का के नाम रखते समय, लड़की पैदा होती है तो क्रिएटिविटी भी जाती है, अब इसका अच्छा नाम रखेंगे, लड़के का सुबह पैदा हुआ है अरुण रख दो, अच्छा सूरज दिख रहा है अरे आदित्य रख दो, लड़के में बिल्कुल भी संस्कार नहीं है, ओह संस्कार रख दो। लड़की के लिए सोचते हैं इसका नाम केसे आया, केसे आया, कैथरीन रख देते हैं, नहीं टोरिया रख देते हैं, अरे वो तो सी से आ रहे हैं, अपन केसे टोरिया करेंगे, अभी तो क्यों नहीं पाते, और लड़के का केसे आया, कुत्ता रखते क्या, हरकत है कुत्ते वाली है, कुत्ता रख देते नाम इसका, कुत्ता नहीं रख सकते, ओहो क्या रखते कालू बेटा है अपना, अच्छा कमलेश रख देते, आगे बढ़े ऐसा भेदभाव यार, मेरा ददीची रखने वाले, हाँ ददीची ऋषि पता है भाई, अच्छा नहीं रखा वो नाम, एज टाइमलेस नाम नहीं है, कुछ नाम ऐसे रहते हैं टाइमलेस रहते, वो सालों तक उसके ददीची नहीं रख सकते थे भाई। किशन, किशन सुनते रहते गाँव का बंदा है, जोनाथन कैसा है रख ले बेटा, तो जोनाथन रखने की कोशिश कर रहा है, तेरा नाम नाथ ही रखते थे, जोनाथन नहीं रखते थे, रहने दे। लड़कों के मामले में माँ बाप की क्रिएटिविटी का तकला हो जाता है, तौबा तौबा तौबा, थला भूल खलाब कर दिया, पैदा होकर गंदा नाम रख दो इसका, लड़की आई नन्ही पड़ी आई, लक्ष्मी आई हमारे घर में, लड़का आया तो कब आया, एक ही क्लास में 4 नाम आ जाते हैं बिल्कुल। चलिए बेटा आपको समझ में आ गया कि आज तो इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ट्रांजेक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, एक बार रिकैप कर लेते बेटा। ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब होता है मनी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस और ट्रेड पर, बिजनेस पर्पस और पर्सनल पर्पस, तो पर्सनल पर्पस को बोलते हैं इनकम मोटिव और बिजनेस पर्पस को बोलते हैं ट्रेड मोटिव। सही पैसे क्यों रखने पड़ते हैं, बिकॉज वी रिसीव मनी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी हैव टू स्पेंड इट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, बात समझ में आएगा। ओके बेटा ये इंटरेस्ट इनइलास्टिक है, आपको इंटरेस्ट रेट मार्केट में कितना भी अच्छा मिले कम मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सारा पैसा खर्ची करोगे तो इट इज इनइलास्टिक। इसका फॉर्मुला है बेटा ट्रांजेक्शन मोटिव इज इक्वल टू इनकम इनटू रेशियो ऑफ मनी व्हिच यू वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, ठीक है, दैट इज नथिंग बट एमटीसी। नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव बिजनेस एंड हाउसहोल्ड बोथ कीप मनी फॉर, फॉर क्या, अन क्या, मैं भूल रहा हूं, अनफोर्सीन, अनप्रेडिक्टेबल, अनएंटीसिपेटेड इवेंट, ठीक है, इट इज केप्ट टू हेज योरसेल्फ, इट इज केप्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। बेटा ये बात याद रखिएगा, ये प्रिकॉशन के नाम पे आप कितना पैसा रखते हो, इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम। जैसे तनिषा की इनकम है बेटा दिहाड़ी पर काम करके 200 रुपए रोज पे, तो 20,000 रुपए प्रिकॉशन के नाम पे नहीं कर सकती, समझ लो, दिहाड़ी 200 रुपए का काम करती है तो इनकम पे, फिर बेटा इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंडेंट है, वो बोल रहे हैं बहुत अच्छे दिन है, मजदूरी बहुत अच्छी मिल रही है, ज्यादा प्रिकॉशन के नाम पे पैसा रखने की जरूरत नहीं है तो नहीं रखेगी, और इसको पता है कि इसके पौवा पीने की आदत के कारण नौकरी से कभी निकाला जा सकता, तो कंडीशन ऐसी निकाला जा सकता, तो ज्यादा रखेगी प्रिकॉशन के नाम पे। पर्सनल ट्रेड फट्टू रहेगी तो रखेगी, फट्टू रहेगी तो ज्यादा रखेगी, जिगरा रहेगी तो कम रहेगी।
ऑप्टिमिज्म, फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि, अगर इसको लगता है भैया अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना ज्यादा रखेंगे तो नहीं रखेंगे बेटा, ये इंटरेस्ट इलास्टिक है, मतलब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप सोच सकते हो इसमें पैसा डालने के बारे में। लास्ट है बेटा स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव नीड मतलब क्या होता है, हाउसहोल्ड सेक्टर और फर्म दोनों अपने पास पैसे रखते हैं अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। इट इज इंटरेस्ट इलास्टिक, हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर यू विल कीप मनी विद योरसेल्फ, मोर यू विल रादर इन्वेस्ट। भगवान मींस हाउ मच एम, तनिषा प्लीज एनलाइटन हिम। सर कोई दिक्कत नहीं, यूनिक नाम रखना है, जितने बच्चे उनके नंबर के आगे 1, 2, 3 लगा दो, सीरीज रख दो बेटा। सही बात है बेटा, फिर क्या बोलेंगे, एक नंबर का बच्चा, दो नंबर का बच्चा, ऐसा। शाबाश बेटा, हमारी औलादे तुमसे प्यार नहीं करने वाली, तुम्हारी औलादे आज से मैं लिख करता कुछ खासा प्यार नहीं करेगी बेटा। इलॉन मस्क तो चंगेज खान है, नया वाला चंगेज खान निकला, वो तो पैदा ही किया जा रहा है। अरे क्या उसके बच्चे का नाम एक्स2 क्या है, येड़ा है वो, कुछ भी करता है। रोनाल्डो भी इनके पास पैसा है, इनको कमाने का टेंशन नहीं ना बेटा, इनको पता है स्कूल की फीस वगैरह भरने का कोई टेंशन नहीं है। अपने यहाँ देखो यश, अभी से हम तो हमारा एक बोलते हुए घूमता है, तो उसको पता है लाख रुपए फीस जाएगी उसके बच्चों की, पर ये रोनाल्डो होता तो क्या करता बेटा, इधर गोल मारता, इधर बच्चे पैदा करता, रेस लगी हुई उसकी, ज्यादा गाड़ी के मॉडल बनाऊंगा ज्यादा बच्चे पैदा करूंगा, कमाल है यार। खैर एनीवेज दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों का ये सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो मैं 2 मिनट बैठ रहा हूँ, बस ऐसे ही बैठा हूँ, गप्पा गुश्ती कर लेता हूँ, अगली क्लास का वैसे भी समय हो गया है। हेलो हेलो यार, प्रियम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, कैसे हो सर, जिंदा। तो आज मजा आ गया क्लास देख के, मतलब मजा आ गया, बाटर सिस्टम तो मेरा मतलब अभी 5-6 साल पहले ही खत्म हुआ मेरे गांव में। क्या खत्म हुआ, बाटर सिस्टम, बाटर सिस्टम जी सर। अच्छा प्रियम को भी बाटर में लेकर आया ना? नहीं सर, ये कौन ऋषभ बोल रहा है, प्रियम। अच्छा ऋषभ को बाटर में लेकर आया हो क्या? नहीं नहीं सर, हमारा ही है, हमारे घर का तो सब जुड़वा है, सेम ही होगा घर का। अच्छा ये बात सही है, उसको संभाल के रखते उससे भी सामान मिल जाता है। ये गाँव में मैं क्यों नहीं रहता भाई साहब, मैं मेरे भाई को टकला कर देता पैसे के लिए। अरे लोग बोलते थे पैसे के पेड़ के ऊपर तो सिर पे उग रहे हैं, केश गांधी की खेती खोल देता बेटा मैं। सर मैंने बहुत आइसक्रीम खाई है इससे। अरे कितना बिगड़े, मतलब तू जा रहा है, अरे पैसे ही दिए, 1 मिनट कौन से चौकोबार, थोड़े 2 बार ज्यादा दे दो, दे ले लो चौकोबार, अरे क्या कसाटा खाने का मतलब, 1 मिनट सही है। अब नहीं होता, पहले होता था यार, गलत जमाने में जाना, आज तू बता रहे 5 साल पहले बोलता तुम्हें, पूरे गाँव को टकला करके लेकर गया होता वहाँ पे। सर कटेरे बाल नहीं, ऊंचे बाल, जो मतलब बाल बनाते तब गिरते, वो वाले बाल बनाते हैं वो गिरते ना, हाँ वो वाले कटेरे गिरते। रात को ऐसा तेल लगाएंगे सिर पे, सुबह सब झड़ रहे हैं इसके। आदिति के गांव में अभी, आदिति पिंकू के साथ बेटा, बिल्कुल मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं आ रहा हूँ। एयर होम में रहते हैं और सर दिन में तो खरीदते भी हैं 3000 रुपए किलो। हाँ वो तो बिग बनाने वाला है ना, यस सर, वो चीज ठीक है, पर ये सही है, आ रहा हूँ बेटा मैं, और बाकी लड़के तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बाल गिरवाने मैंने। सही है सही है, क्या रुचे क्या चल रहे अभी तो सर, मतलब क्लास है यूं सर की 8:30 बजे। कर लो खत्म कर लो फटाफट, यस सर, थैंक यू सर। जलगांव में जी सर? नहीं नहीं, अदिति से बात करो, जलगांव महाराष्ट्र में भी होता है, मेरे को ही बता दी थी, ये तो नहीं आता भाई। ऋषभ क्या कर रहा है? ऋषभ तो ऊपर गया अभी, ऋषभ पढ़ाई नहीं कर रहा क्या? नहीं ऊपर गया खाना लेने। अच्छा खाना लेने गया, अच्छा तुम तो लक्ष्मी नगर हो ना जी सर, बढ़िया। क्या हाल चाल लक्ष्मी नगर के? सब बढ़िया है सर, आप बताइए। अभी सब तो आते हैं लक्ष्मी नगर? यस सर आते हैं, फिर टू चालू हो जाऊंगा। हाँ फेस टू फेस, फेस टू फेस सबका चालू हमारा भी चालू, मतलब आज तक गांव नहीं देखा आपने, क्या बात है, गांव मैंने देखा है, पर कौन से गांव में ऐसा हो रहा था मैं नहीं पता था। ठीक है चल ब्रो, कल मिलते हैं, बाकी बात करते हैं, ठीक है।
नहीं सर रूपाली ठीक है ओके बाय।